हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हमारा मैराथन जो है बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए सभी लोग जल्दी से जुड़िए और क्लास को बहुत अच्छा बनाइए। तो इसमें क्या है, तो बच्चों जितने भी आज हम जितना कवर कर लिए हैं, लिविंग वर्ड से एनिमल टिश्यू तक, तो सबका क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको। क्या होता है, एनिमल टू लिविंग वर्ड तक जितने क्वेश्चन है हमने इसमें कंप्लीट किया, और टोटल 90 क्वेश्चन है। तो बच्चों क्या कहते हैं, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करिए, जिससे हमारा क्या होता है, जल्दी से 90 क्वेश्चन आज कंप्लीट करना है, तो फास्ट होगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें फास्ट करना है, तो एवरीवन सभी लोग स्टार्ट हो जाइए। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं मैराथन। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो पहला क्वेश्चन आता है, क्या होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेटिमा अमेरिकाना। क्या होता है बच्चों, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो इसका करेक्ट आंसर एनीवन, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो इसके शानदार बनाइए आप लोग क्लास को भी। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। इसका करेक्ट आंसर एनीवन, तो पहला कह रहा है मेल बियर पेयर ऑफ द शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। सेकेंड कह रहा है दे आर आर 16 वेरी लॉन्ग मालपिगियन टिबुल प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड इनगट। थर्ड कह रहा है कि नर्वस सिस्टम लोकेटेड आर्सली कॉन्स्टिट एंड सेगमेंटेंटली अरेंज गंगेलिया ज्वाइनड बाय ए पेयर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव। फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ग्लैंडिंग ऑफ फूड इज द कैरियड आउट ओनली बाय द मंथ ऑफ पार्ट। इसका एनी वन करेक्ट आंसर, एनी वन करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या होता है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी आ रहा है। तो बच्चों हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ होगा, आशीष। तो आशीष यहाँ रीना नाम, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ होगा। तो जो हमारा इसमें सेलेक्ट करेक्ट पूछ रहा है, जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, मतलब इसमें होगा कि जो हमारा चैटिंग ऊपर आ जा रहा है, मजा नहीं आता। तो बच्चों इसका करेक्ट यही होता है, ग्लैंडिंग ऑफ द फूड इन कैरियड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, करा कंपेयर टू दूज हुमैन एंड इंट्रोसाइट ऑफ द फ्रॉग। तो बच्चों जो हमारा हुमैन होते हैं और जो फ्रॉग होते हैं, उसमें कंपेयर करिए, इसमें कौन सा कंपेयर कर सकते हैं, क्या इसमें करेक्ट हो सकता है। तो पहला करा विदाउट न्यूक्लियस बट विथ हीमोग्लोबिन। सेकेंड करा वेरी मच सिमिलर एंड फीवर। थर्ड करा न्यूक्लियोइड, क्या होता है बच्चों, न्यूक्लिएटेड विथ हीमोग्लोबिन। और फोर्थ कह रहा है न्यूक्लिएटेड विद विदाउट होमोग्लोबिन। एनीवन इसका करेक्ट आंसर, एनीवन करेक्ट आंसर, एनीवन इसका करेक्ट आंसर, अंकित डी, लक्ष्मी डी,
एनीवन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है बच्चों? यस, तुम्हारा करेक्ट आंसर होता है, तो जो क्या कहते हैं, हमारे जो वुमेन होते हैं उसमें जो मैच्योर आरबीसी होता है, क्या होता है, जो मैच्योर आरबीसी होता है तो उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। और जो फ्रॉग होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो हुमेन होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और जो फ्रॉग होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, न्यूक्लिएटेड होगा एंड विदाउट हीमोग्लोबिन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमन बोटल कॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आज का एकदम क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के है, लेकिन आप लोग अगर इसको करेंगे तो फायदा जरूर होगा। तो कह रहा है कि कॉर्म बॉटल कॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ पेलोजन, जाइलम। तो इसका सी आंसर आ रहा है, तो एनीवन इसका करेक्ट आंसर पेलोजन, जाइलम, वास्कुलर कैम्बियम, डर्मेटोजन। तो इसका एनीवन का आंसर तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यस यस, इसका करेक्ट आंसर ये आ रहा है। यस यस, तो बच्चों जो हमारा बॉटल कॉर्क होता है, जो होता है बॉटल कॉर्क, कॉर्क आप देखते हैं तो हमने बताया था क्या था, कॉर्क होता है कॉर्कम्बियम बताए थे और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बताए थे। किसको? कॉर्क, कॉर्कम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो जो बॉटल कॉर्क की द प्रोडक्ट आप होता है पिलोजन। क्या होता है बच्चों? पिलोजन। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा? पिलोजन। यस, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है द कंपेनियन सेल इज क्लोजली एसोसिएटेड। क्या होता है बच्चों? जो कंपेनियन सेल होता है किसके क्लोज होता है, तो वही कह रहा है कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ। तो इसका करेक्ट आंसर एनीवन, तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन अगर आप लोग को दिख गया है तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन है कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ एनीवन। तो चैट स्टार्ट, तो आंसर एनीवन, तो इसका भी आंसर ए आ रहा है। एनीवन आंसर, ए। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होता है बच्चों? जो करेक्ट आंसर होता है कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड होता है स्यू एलिमेंट। किसके बच्चों? स्यू एलिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कौन सा? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्यू एलिमेंट। क्या होता है बच्चों? स्यू एलिमेंट जो कंपेनियन सेल होता है ये उसको सपोर्ट करता है। किसका? जो स्यू ट्यूब एलिमेंट होता है उसको सपोर्ट करता है और लोडिंग का भी काम करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कौन सा? फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कह रहा है क्लोज वास्कुलर बंडल लैक। बच्चों इसमें क्लोज वास्कुलर बंडल किसमें अब्सेंट होगा? कह रहा है क्लोज वास्कुलर बंडल लैक क्राउन टिश्यू, कंजेक्टिव टिश्यू, कैम्बियम, पीथ। तो बच्चों क्लोज किसके कारण, अगर कह रहा है जो क्लोज वास्कुलर बंडल होता है उसमें क्या अब्सेंट होता है, तो एनी वन आंसर, इसका एनी वन आंसर। तो चैट स्टार्ट, तो इसका आंसर, यस 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 अनिल, गुड गुड आफ्टरनून। तो अनिल इसका आंसर बताइए, इसका तो क्लोज वास्कुलर बंडल लैक, तो एनीवन आंसर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है क्लोज वास्कुलर बंडल लैक ग्राउंड टिश्यू, कंजेक्टिव टिश्यू, कैम्बियम, पीथ। तो बच्चों जो क्लोज वास्कुलर बंडल होता है उसमें क्या अब्सेंट होने के कारण वह क्लोज होता है, एनीवन आंसर। तो इसका एनीवन आंसर, इसका एनीवन आंसर, इसका आंसर ये होगा एनीवन आंसर। तो बच्चों हमने क्या बताया था, जो एक क्लोज होता है एक ओपन वास्कुलर बंडल होता है। क्या होता है? ए आंसर आ रहा है। तो जो हमारा एक क्लोज वास्कुलर बंडल होता है एक ओपन वास्कुलर बंडल होता है। क्या होता है?
एक क्लोज होता है और एक ओपन होता है। हमने क्या बताया था, जो क्लोज वास्कुलर बंडल होता है, क्या होता है बच्चों, क्लोज वास्कुलर बंडल होता है अगर जिसमें कैम्बियम अब्सेंट प्रेजेंट होता है। तो जिसमें कैम्बियम, जो हमारा कैम्बियम होता है यही बताता है कौन क्लोज है कौन ओपन है। तो जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या होगा, ओपन होगा, और जिसमें कैम्बियम अब्सेंट होगा वो हमारा क्लोज होगा। तो एनीवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, कैम्बियम। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, कैम्बियम। तो इसको याद कर ली, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। क्लोज और ओपन, क्लोज के लिए मतलब कैम्बियम प्रेजेंट एब्सेंट है, और ओपन के लिए मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है। तो कैम्बियम ऐसा जो कैम्बियम प्रोसेस होता है जिससे जो वास्कुलर बंडल होता है क्लोज होता है और ओपन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है वाटर कंटेनिंग, क्या होता है बच्चों, वाटर कंटेनिंग कैविटी ऑफ द वास्कुलर बंडल आर फाउंड। तो बच्चों जो वास्कुलर बंडल होता है, क्या होता है, जो वास्कुलर बंडल होता है उसमें वाटर कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा होता है वास्कुलर बंडल। कह रहा है वाटर कंटेनिंग कैविटी ऑफ द वास्कुलर बंडल आर फाउंड इन मेज, साइकस, सनफ्लावर एंड पाइनस। एनी वन आंसर, इसका करेक्ट आंसर। तो चैट स्टार्ट है, यस, इसका करेक्ट आंसर एनी वन, इसका एनी वन आंसर। वास्कुलर कंटेनिंग कैविटी इन द वास्कुलर बंडल आर फाउंड इन, तो आज का पेपर तो बहुत इजी है, ए आ रहा है, तो मनीष ने ए आंसर दे रहे हैं। एनीवन आंसर, कोई प्रॉब्लम प्लीज, और इसको क्लास को और फास्ट बनाइएगा, और वजह बहुत अच्छे अच्छे इसमें आपको पूरा टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, 90 क्वेश्चन हमें कराना है आज, तो इसलिए थोड़ा फास्ट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बच्चों फर्स्ट। तो जो हमारा वाटर कंटेनिंग कैविटी पाया जाता है वो वास्कुलर बंडल आर फाउंड इन द मेज, किसमें होता है, मेज। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, तो मेज होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक आर। तो एनी वन आंसर, तो कह रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका जो वुड होता है वो सॉफ्ट होता है, क्या होता है बच्चों, सॉफ्ट होता है, उसमें क्या अब्सेंट होता है जिसके कारण उसका वुड सॉफ्ट होता है। एनी वन आंसर, तो इसका एनी वन आंसर, तो चैट स्टार्ट है एनी वन, तो इसका बी आंसर आ रहा है। एनी वन आंसर डी। अगर आप लोग क्वेश्चन मतलब मन से नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जब हमने क्या कहते हैं एनाटॉमी करा रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन था, तो आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको अगर अभी भी अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो मन से करिएगा, अगर मन से करेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा, और कभी और क्वेश्चन आएगा तो आप पक्का उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे, अगर उसके रिलेटेड आता है तो भी करके आएंगे, तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन करिए तो मन से करिएगा। तो बच्चों जो जिम्नोस्पर्म होता है, क्या होता है बच्चों, जिम्नोस्पर्म, तो उसका वुड इसलिए सॉफ्ट होता है क्योंकि उसमें जो जाइलम फाइबर होता है, क्या होता है, जो जाइलम फाइबर होता है वो एब्सेंट होता है। तो जाइलम फाइबर के कारण जो वुड होते हैं वो कहते हैं हार्ड होते हैं, और उसमें जाइलम फाइबर ही एब्सेंट है, तो जिसके कारण उसका जो वुड होता है सॉफ्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कौन सा हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जाइलम फाइबर, कौन सा हो जाएगा बच्चों, जाइलम फाइबर। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, कह रहा है वेजिलरी एसोसिएशन आर करेस्टेटिक ऑफ द फैमिली। एनी वन आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एस्टिवेशन जरूर आप पढ़िए। तो ये वेजिलरी एस्टिवेशन किस में होता है, पेवेसी, एस्ट्रेसी, सोलेनेसी, ब्रेस्केसी। एनी वन, तो एनी वन इसका करेक्ट आंसर, वेजिलरी एस्टिवेशन हमने फैमिली कराया था तो उसमें बताया था, इसका करेक्ट आंसर ए आ रहा है। एनी वन आंसर, यस मनीष, इसका करेक्ट आंसर ए आ रहा है, और इसका करेक्ट आंसर एनी वन, तो बच्चों यस यस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि जो एक्जिलरी वेस्टिनेशन होता है, क्या होता है बच्चों, जो एक्जिलरी वेस्टिनेशन होता है हमारा किसमें होता है, फेबेसी फैमिली में, किसमें होता है बच्चों, फेबेसी। तो यस, हाय मनीष, तो मनीष इसमें 90 क्वेश्चन का टारगेट है आज, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आंसर आप लोग दीजिए, जिससे क्लास को और अच्छा मजा भी आए, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और क्लास भी अच्छा चलता रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेबेसी, क्या होता है, फेबेसी।
क्योंकि इसमें सभी आपको थोड़ा कंसेप्चुअल और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से सब क्वेश्चन हैं। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, अगला क्वेश्चन, करेक्ट द कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट आर इक्विवेलेंट। तो इसका करेक्ट आंसर, जो कोकोनट वाटर होता है और उसके और जो कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू एंडोस्पर्म, तो उसका जो कोकोनट वाटर है क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, एंडोकार्प ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका आंसर ए आ रहा है, तो इसका आंसर ए आ रहा है, यस। तो आई एम चेकिंग, तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट हो जाएगा। तो जो कोकोनट वाटर होता है क्या होता है, जो कोकोनट वाटर होता है तो बच्चों क्या होता है, इंडो स्पर्म होता है, क्या होता है, इंडो स्पर्म होता है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जो कोकोनट वाटर होता है वो होता है प्री न्यूक्लियस इंडो स्पर्म होता है, ये याद कर लीजिए, क्या होता है, प्री न्यूक्लियस इंडो स्पर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इंडो स्पर्म। तो कोकोनट वाटर एंड आर एडिबल पार्ट, जो उसका एडिबल पार्ट जो व्हाइट कलर का होता है वो क्या होता है बच्चों, इंडो स्पर्म का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा हाउ मेनी प्लांट इज द लिस्ट बिलोंग टू द कंपोजिटिव फैमिली फ्रूट, क्या होता है बच्चों, कंपोजिट फ्रूट फॉर्म द इनफ्लोरेसेंस। इसमें आप लोग अगर इसका करेक्ट आंसर एनीवन, पहला करा वॉलनट, पेपी, रेडिश, फिग, पाइनएप्पल, एप्पल, टमाटो, मलबेरी, एनीवन आंसर, एनीवन आंसर, इसका एनीवन आंसर, तो अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो सॉरी, तो अब हम क्वेश्चन एक बार विजुअल कर लीजिए, क्वेश्चन वॉलनट है, पॉपी है, रेडिश है, फिग है, पाइन एप्पल, एप्पल, टमाटो एंड मलबेरी। कह रहा हाउ मेनी प्लांट इज द कंपोजिट फ्रूट, तो कौन कौन से कंपोजिट फ्रूट होते हैं, तो एनीवन आंसर, नहीं पता है सर, और किसी को, एनीवन आंसर। तो बच्चों जो हमारा क्या कहते हैं, इसमें जो हमारा बच्चों कंपोजिटिव फैमिली होता है, क्या होता है बच्चों, कंपोजिटिव मतलब कंपोजिट फ्रूट आ जाता है, तो कंपोजिटिव मतलब हमें कंपोजिटिव फैमिली में देखना होगा, क्या होता है इसमें कौन कौन से कंपोजिट फैमिली होगा, अगर अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले आपको जो याद है उसको क्या कर दीजिए, जो याद है उसको आप निकालिए, याद वाले को जैसे आपको सोलोनेसी याद होगा, पेवेसी फैमिली की याद होंगे और लिलेसी फैमिली के होते हैं, तो उस प्रकार अगर आप इसको क्या करेंगे छाटेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा उससे भी। तो बच्चों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा पॉपी हो जाएगा, कौन सा होगा, पॉपी हो जाएगा, पाइनएप्पल हो जाएगा, और उसके बाद वॉलनट होते हैं, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, कंपोजिटी फैमिली के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, सॉरी, कौन सा हो जाएगा बच्चों, फोर्थ, इसमें थ्री जो होते हैं वो कंपोजिटी फैमिली के होते हैं, तो इसलिए इसको इस प्रकार अगर आप चाटेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, द गाइनोसियम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मेनी फ्री पिस्टिल ऑफ द फ्लावर ऑफ, अब इसका आंसर एनीवन, तो इसका आंसर तो आप लोग दीजिए एनसीईआरटी लाइन का है, कह रहा है जो गाइनोसियम होता है कॉन्स्टिट्यूट इन द मेनी फ्री पिस्टिल इन फ्लावर ऑफ एलोए, टमाटो, पपावर, मार्चेलिया, तो एनीवन आंसर, एनी वन आंसर इसका, कह रहा है जिम्नोस्पर्म ऑफ द मेनी फ्री पिस्टिल इन फ्लावर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर, थोड़ा आप लोग को लिंक करना पड़ेगा, तो लिंक करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, तो आंसर नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। तो बच्चों इसका हमारा जो जिम्नोस्पर्म, जो क्या कह रहा है, सॉरी, जो गाइनोसियम होता है, क्या होता है, जो गाइनोसियम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मेनी फ्री पिस्टिल, हमने जब क्या कहते हैं मार्फोलॉजी को डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर हमने बताया कि जो गाइनोसियम होता है मेनी फ्री स्टिल, तो फ्री स्टिल हमारा किसमें होता है, जो फ्री पिस्टिल होता है,
क्या होता है, एक होता है हमें यूनाइटेड बताया था, क्या होता है यूनाइटेड होता है, और दूसरा होता है फ्री। तो जो फ्री पिस्टल होता है बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मार्चेलिया। क्या होगा बच्चों? मार्चेलिया, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल था। तो जो हमारा गाइनोसियम होता है फ्री पिस्टल, आप एनसीईआरटी को लिए और एनसीईआरटी में आप देख लीजिए, वहां पर आपको मिलेगा फ्री पिस्टल। तो इसका थोड़ा आपको लिंक करना पड़ेगा तो आपको आंसर बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। एनीवन, कोई डाउट? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, साइमोस इंफ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन, एनीवन आंसर? तो मनीष, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, आपको थोड़ा क्या करेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो क्योंकि अगर हम इन द पूरी लाइन बाय लाइन रखेंगे तो आप तुरंत आंसर देते चले जाएंगे तो दिमाग नहीं लगेगा। तो आप क्या होता है उसमें, आप अगर ऐसे क्या होगा तो ऐसे आप थोड़ा अंदर जाके अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन अब कैसे बन सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए हमने पहले क्या किया, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराया। तो आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो जिससे आपको थोड़ा दिमाग लगेगा और करने में भी मजा आएगा। तो वही कह रहा है, साइमोस इंफ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन द सोलेनम। तो अब इसको आप कहां से लिंक करिएगा, तो एनीवन आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर डी आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ रहा है। यस बच्चों, जो हमारा इसको क्या करेंगे, जो साइमोस इंफ्लोरेसेंस होता है इसको हम रिलेटेड करेंगे। यस यस, तो हमारा बच्चों जो क्या कहते हैं फैमिली हो, इसको हम फैमिली से लिंक करेंगे। क्या होता है इंफ्लोरेसेंस, अगर हम एनसीईआरटी का इंफ्लोरेसेंस पर पढ़ेंगे रेसिमो साइमोस, तो वहां से नहीं, इसको हम अगर फैमिली में पढ़ेंगे तो वहां से हमको ये आंसर मिलेगा। तो हमारा बच्चों जो साइमोस इंफ्लोरेसेंस होता है वो होता है कहाँ पर बच्चों, सोलेनम में। किस में होता है बच्चों? सोलेनम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, करा द पिलोड इज प्रेजेंट इन। अब इसका आंसर तो तुरंत फास्ट आना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था। और ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, पिलोड कहाँ पर होता है? पिलोड इज प्रेजेंट इन एस्परगस, यूफोर्बिया, ऑस्ट्रेलिया गैसिया, ओपेंसिया। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ रहा है। एनीवन? तो पिलोड इज प्रेजेंट इन, एनीवन आंसर? सी आ रहा है। एनीवन आंसर? एनीवन आंसर? मनीष? तो इसका करेक्ट आंसर, तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो मनीष, आपने इसको हम इतनी बार डिस्कशन किया था, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हमने बताया था पिलोड के बारे में। तो आपने फिर इसको, आज अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आप मन से या तो क्वेश्चन देते नहीं, तो बली प्रॉब्लम है, या तो आप मन से नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, या तो फिर ऐसे फर्जी कर रहे हैं। तो बच्चों जो हमारा पिलोड होता है, अभी हमने बताया था उस दिन जब डिस्कशन है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो पिलोड जो होता है ऑस्ट्रेलिया एकेशिया में होता है। क्या होता है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। और मनीष जो आपने एस्परगस दिया, तो क्या होता है बच्चों? हमने पोरका बताया था। क्या होता है बच्चों? पोरका। तो आपने जो आंसर दिया वो कैलेडोड का होता है। किसका? कैलोड का। तो कैलेड का एग्जाम्पल होता है एस्परगस। क्या होता है? जो एस्परगस होता है वो होता है हमारा कैलोड का, और जो पिल्लो कैलेड का होता है उसका ओपेंसिया होता है, और जो हमारा पिल्लोड का होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया एकेशिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया एकेशिया। तो मनीष इसको ध्यान दीजिएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। इसके बाद अगला कह रहा है, प्लेसेंटेशन ऑफ टोमेटो एंड लीमन। तो बच्चों जो हमारा टोमेटो लीमन होता है इसमें प्लेसेंटेशन कैसा होता है? तो पहला कह रहा है पेराइटल, फ्री सेंट्रल, मार्जिनल, एक्साइल। एनीवन करेक्ट आंसर? तो यस मनीष, तो उसका कैलोड का होता है। आपने जो आंसर दिया था एस्परगस, वो कैलोड का एग्जांपल होता है। तो और इसके बाद जो हमने पूछा था पिलोड, पिलोड का होता है ऑस्ट्रेलिया एकेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर, तो यस, तो बच्चों जो हमारा प्लेसेंटेशन ऑफ द जो टोमेटो और लीमन होता है, क्या होता है? हमने बताया था टोमेटो और जो ल्यूमन होता है इसका प्लेसेंटेशन होता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। किसका? एक्जाइल। हमने क्या था सभी प्लेसेंटेशन को बहुत अच्छे तरह से उसमें डिस्कशन किया, जो हमारा 60 रिवीजन चलता है, सुपर रिवीजन, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो उसको जरूर याद कर एक बार देखिएगा,
उसमें बहुत अच्छा आपको पूरे एनसीईआरटी लाइन में लाइन मिलेगा। तो आज हमने क्या किया, आज हो सकता है, अगर टाइम तो मुश्किल है क्योंकि काकरोच कराएंगे, और लास्ट जो आज शाम को केमिस्ट्री का क्लास है उसमें आपको बहुत मजा आएगा। हमने उसमें पूरे बायोमालिक्यूल को इतना अच्छा नोट से बनाया हूँ, इतना अच्छा आपको कराऊंगा बायोमालिक्यूल, तो आप पूरी एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन आपको एनसीईआरटी मिलेगा बायोमालिक्यूल जब हम शाम को कराऊंगे बायोमालिक्यूल केमिस्ट्री का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जाइल प्लेसेंटेशन। क्या होता है बच्चों, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जाइल प्लेसेंटेशन। तो जो हमारा प्लेसेंटा ऑफ टोमेटो, हमने सबका प्लेसेंटेशन बताया था, किसका बच्चों, पेराइटल, मार्जिनल और उसके बाद प्री सेंट्रल, तो सबका हमने इसका प्लेसेंटेशन बताया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा बच्चों, फोर्थ। फिर इसके बाद कह रहा है जो प्रतिमा आर क्लोज रिलेटिव डेरिवेटिव नरिशमेंट फॉर्म, इसका करेक्ट आंसर एनी वन। तो कह रहा है जो प्रतिमा होता है एंड आर क्लोज होता है रिलेटिव डेरिवेटिव नरिशमेंट फॉर्म, सुगर कैन रूट, ड्राइंग फॉलन लीफ एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल इंसेक्ट, स्मॉल प्लेस ऑफ द फ्रेश फॉल लीफ मैच, एनी वन आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर बी आ रहा है। यस यस, बहुत अच्छा आंसर आज मिला। इसका करेक्ट आंसर बच्चों बी हो जाए। प्रतिमा मतलब हमारा होता है अर्थवाम। तो अर्थवाम जो हमारा क्या कहते हैं, जो अपना फूड लेता है, जो न्यूट्रिएंट्स लेता है, और जो हमारे पत्ते होते हैं, क्या होता है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं गिरते गिरने के बाद वो सड़ते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, और ऑर्गेनिक मैटर से, जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, ड्राइंग फॉलन लीफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा, कह रहा है कि साइकस एंड एडिंटम रिसेंबल ईच अदर हाइविंग। तो क्या होता है बच्चों, जो साइकस के बारे में अगर कोई अच्छा से पढ़ा होगा तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या होता है, बहुत अच्छा आंसर आ जाए। कह रहा है कि जो साइकस एडेंटम होता है, क्या होता है, साइकस और जो एडेंटम होता है वो रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग सीड, मोटाइल स्पेर, कैम्बियम, वेसल्स, एनी वन आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर, तो एनी वन आंसर। तो मनीष आपका आंसर नहीं आ रहा है, मनीष क्या कोई प्रॉब्लम? तो इसका करेक्ट आंसर, तो इसका ए आ रहा है आंसर, एनी वन आंसर, एनी वन आंसर। तो बच्चों जो हमारा साइकस और एडेंटम होता है, क्या होता है, साइकस एडेंटम एडेंटम होता है, रिसेंबल होता है किसके, मोटाइल स्पर्म के लिए। तो लक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या होता है, उसमें जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, तो इसके उसका रिसेंबल होता है मोटाइल स्पर्म, सीड के लिए नहीं होता है। क्या होता है बच्चों, सीड के लिए नहीं होता है, मोटाइल स्पर्म के लिए होता है। तो जो रिसेंबल होता है ईच अदर हैविंग द मोटाइल स्पर्म, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। कौन सा बच्चों, सेकेंड, सॉरी, कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, मोटाइल स्पर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलो, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओनली वन डाउट, तो हम उसका भी बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि 90 क्वेश्चन को आज टारगेट है कवर करने के लिए, तो इसलिए आप लोग फास्ट दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर एनी वन, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी सॉल्व हो चुके हैं एक बार, ये चैप्टर सभी एक बार, ये सेकंड रिवीजन है, तो अगर सेकंड रिवीजन है तो आप लोग इसको फास्ट करिए, क्योंकि पूरा चैप्टर वाइज हो गया था। आज हमने क्या कॉमन रखा हूँ, किसको, लिविंग वर्ड से लेकर एनिमल टिश्यू तक, इसलिए आप इस लोग को इसको फास्ट बनाइएगा। करा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, पारा करा टेडोपाइट जिम्नोस्पर्म एंड प्रोटोनिमल एंड द लिफी स्टेट, करा जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज द फ्री लिविंग, करा एंथ्रेडियोस्पोर आर्चेगोनियोस्पोर प्रेजेंट इन द टेडोपाइट, ओरिजिन सीड हाइब्रिड कैन बी क्रिएटेड इन द टेडोपाइट, एनी वन करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर, चैट स्टार्ट है, एनी वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनी वन आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर विच आर द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, मनीष, एनी वन आंसर। इसका भी अगर आप लोग स्लो कर रहे हैं तो
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा बच्चों? क्रोट। तो बच्चों हमने क्या बताया था, जो ओरिजिन हुआ था, अगर इम्ब्रियो का ओरिजिन सबसे पहले हमारा हुआ था ब्रायोफाइटा में, कहां से बच्चों? ब्रायोफाइटा में। और जो हमारा सीड का ओरिजिन हुआ तो हमारा टेडोफाइटा से स्टार्ट हो गया था। सीड नहीं बना था, सीड का ओरिजिन हमारा टेडोफाइटा में आया था, और जो सीड बना था वो जिम्नोस्पर्म में आया था। क्या होता है? जो जिम्नोस्पर्म में बनता है। तो इसमें करा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट? तो मनीष ये तो आपका ये मैसेज आ रहा है और आंसर क्यों नहीं आ रहा है? नेट प्रॉब्लम, नेट इशू है? तो बच्चों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो मैं मनीष थोड़ा नेटवर्क में हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर फास्ट दीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ। कौन सा? इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो हमारा सीड का हैबिटेट सबसे ज्यादा है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था टेडोफाइटा में। कहां पर स्टार्ट किया था बच्चों? टेडोफाइटा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा? फोर्थ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। क्या होता है अगला क्वेश्चन? क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन मल्टीसेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मार्स, क्या कॉमन होता है? तो बच्चों जो हमारा फिलामेंटस फंजाई होता है, मल्टीसेलुलर जो फंजाई होता है, और फिलामेंटस जो एल्गी होते हैं, और जो प्रोटोनिमा ऑफ द मार्स, इसमें क्या कॉमन होता है? तो फर्स्ट कह रहा है कि डिप्लॉइड लाइफ साइकिल होता है। सेकेंड कह रहा है मेंबर ऑफ द किंगडम प्लांटिंग आते हैं। थर्ड कह रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फोर्थ कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बाई फर्मेंटेशन। एनी वन आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए इसका, एनी वन आंसर? क्योंकि रिपीट डी 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 आ रहा है, डी इसका आंसर आ रहा है, तो इसका डी आंसर आ रहा है। यस, तो बच्चे इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो हमारा एल्गी होता है, हमने क्या बताया, जो एल्गी होता है और फंजाई होते हैं, और जो प्रोटोनिमा मास होते हैं, ये बच्चे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू फर्मेंटेशन, ये सभी सभी क्या होते हैं, जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है? फर्मेंटेशन के द्वारा। तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन बाय द फर्मेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। आशीष का आंसर नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? तो आशीष इसका कोई डाउट हो रहा है तो बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन है। क्या होता है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द प्लांट एंड हेल्प ऑफ द न्यूट्रिशन। एनीवन आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो, कौन सा एक माइक्रोब्स हो जाता है जो फॉर्म करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट एंड हेल्प करता है किसका? न्यूट्रिशन का। पहला कह रहा है एजोबैक्टर, एस्परजिलस, ग्लोमस, क्या था बच्चों? ग्लोमस। और इसके बाद ट्राइकोडर्मा। एनीवन आंसर? तो बच्चों इसमें कौन सा होता है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और न्यूट्रिशन लेता है? सी आंसर आ रहा है। यस यस सनी, बहुत अच्छा इस क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन लिंकेज था। अगर आप ये क्वेश्चन को लिंक करके अगर पकड़ लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे जब सेकंड एनसीईआरटी माइक्रोब्स पढ़ेंगे, क्या होता है बच्चों, माइक्रोब्स ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे, तो उसके लास्ट जो पेज होगा वहां आपको ये आंसर मिलेगा। क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको वहां मिलेगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या होता है बच्चों? करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, ग्लूमस। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड। बहुत अच्छा इसका आंसर आया। तो इसी प्रकार अगर आप लोग जवाब देते रहेंगे तो मजा आएगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है? कह रहा है विच वन ऑफ द सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, द पेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द करेक्टली एसोसिएटेड इट द ऑफ द नेम ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है जो पेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द करेक्टली एसिजिनेट होता है टू इट देयर द नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप। पहला कह रहा है पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज दे आर ऑफ द पेनिसिलिन। पेनिसिलियम लाइकेन इज द कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएटेड विद द एल्गी एंड प्रोटोनिम प्रोटोजोआ। उसके बाद अगला करा ईस्ट यूज इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड बियर इन द फंगस नॉस्टॉक एना बिना एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटिस्ट। एनी वन आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर, तो चैट स्टार्ट है, एनी वन आंसर इसका करेक्ट?
एनीवन है इसका करेक्ट आंसर? एनीवन करेक्ट आंसर? सी आ रहा है, सी। तो यस बच्चों इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो बच्चों हमने क्या बताया था कि इसमें देखिए इसको हम डिस्कशन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसके लिए इसको डिस्कशन करना जरूरी है। तो जो हमारा पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम होता है वो सेम किंगडम के नहीं होते बच्चों, सेम फाइलम के होते हैं। क्या होता है बच्चों? सेम फाइलम के होते हैं, प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ में आते हैं और दैट आर पेनिसिलियम। तो हमारा फर्स्ट आंसर गलत होता है। सेकेंड कह रहा है जो लाइकेन होता है वो क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, लेकिन बच्चों एल्गी एंड फंजाई का होता है। किसका होता है बच्चों? एल्गी एंड फंजाई का होता है, प्रोटोजोवन का नहीं होता है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन कह रहा है ईस्ट यूज जब मेकिंग ब्रेड एंड बियर ऑफ द फंगस। बच्चों जब ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे वहां पर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि जो ईस्ट होता है इसका यूज करते हैं क्या बनाने में बच्चों? तो ब्रेड और बियर बनाने में। उसके बाद बच्चों जो नॉस्टा एनाबिना होता है वो एग्जाम्पल होता है मोनेरा का, क्योंकि बैक्टीरिया में आते हैं। तो बच्चों जो हमारा नॉस्टा एनाबिना होता है ये मोनेरा किसका एग्जाम्पल है? मोनेरा का। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। कौन सा? थर्ड। तो बहुत अच्छा है, इसका करेक्ट आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट एविडेंट टेरिडोफाइट। क्या था बच्चों? मोस्ट सॉरी प्रोकैरियोटिक। कह रहा है मोस्ट एविडेंट प्रोकैरियोटिक हेल्पफुल द ह्यूमन। क्या कह रहा है? ह्यूमन इज द मेकिंग कर्ड फॉर मिल्क इन द प्रोड्यूस ऑफ द एंटीबायोटिक्स वन इज द कैटेगरी। पहला कह रहा है साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसेंसिटिव बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट आना चाहिए। तो अगर कोई अगर यस इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर डी आ रहा है, यस यस यस। तो बच्चों जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो हमारा ये माइक्रोब्स हो जाता है जो कॉर्ड फॉर मिल्क बनाता है ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। तो हमारा रिपीट क्वेश्चन था, तो इसका पिछली बार भी आया था, इसको हम डिस्कशन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। कौन सा? फोर्थ। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट इन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें अब्सेंट होता है? कह रहा है पेनिसिलियम, एग्रिकस, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक। बहुत फास्ट आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनीवन? तो इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट, इसका आंसर गलत भी हो सकता है, तो देखता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। तो एनीवन आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर डी आ रहा है। तो हमें पता था कि इसका क्वेश्चन आप लोग गलत करने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर डी आ रहा है। तो सभी लोग डी दे रहे हैं। तो बच्चों यस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो हमारा नाश्ता होता है बच्चों बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? मोनेरा में आता है। और जो मोनेरा होता है केवल मोनेरा ऐसा किंगडम होता है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, बाकी जितने भी किंगडम होते हैं सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इसका हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? फोर्थ हो जाएगा, नॉस्टा। क्यों? नॉस्टा। तो हमारा क्या होता है बच्चों? मोनेरा का होता है। तो मोनेरा जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है वो अब्सेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या आता है? कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर टू। तो बच्चों साइनोबैक्टीरिया किसमें आप रिफर कर सकते हैं? द साइनोबैक्टीरिया आर रिफर टू प्रोटिस्ट, गोल्डन एल्गी, फ्लाई मोल्ड। यस यस यस, गुड इवनिंग गणेश। तो गणेश आप भी आ गए, इसका आंसर आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ रहा है। तो साइनोबैक्टीरिया कहाँ पर रिफर कर सकते हैं हम लोग? तो एनीवन आंसर, साइनोबैक्टीरिया को कहाँ रिफर कर सकते हैं? तो मनीष, अनिल, लक्ष्मी जी, इसका करेक्ट आंसर, तो साइनोबैक्टीरिया को कहाँ रिफर कर सकते हैं? एनीवन आंसर, तो साइनोबैक्टीरिया को कहाँ रिफर कर सकते हैं? ओनली वन आंसर डी आया, हो कोई? तो यस बच्चों, जो साइनोबैक्टीरिया होता है, क्या होता है बच्चों? तो जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है इसको हम कहाँ पर रख सकते हैं बच्चों? जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। कौन सा होता है बच्चों? फोर्थ, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्थ हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्या था बच्चों? अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग, वायरस के बारे में क्या रॉन्ग है? तो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट, सॉरी
क्या करा बच्चों, कौन सा रॉन्ग है आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला ऑल आर पैरासाइट होता है, सेकंड कहला ऑल ऑफ देम हैव द हेलिकल सिमेट्री होता है, दे हैव द एबिलिटी ऑफ द सिंथेसाइज करता है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो चैट स्टार्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर एनीवन, तो इसका ए आंसर आ रहा है, यस इसका करेक्ट आंसर आता है ए, इसका करेक्ट आंसर ए आ रहा है। तो बच्चों, तो आप लोग भी इसको, यस इसका करेक्ट आंसर है ये आ रहा है। तो बच्चों जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होता है बच्चों, जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होता है, तो बच्चों जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है कि जो हमारा वायरस होता है रॉन्ग पूछ रहा है, क्या होता है बच्चों इसमें रॉन्ग पूछ रहा है। तो जो वायरस होता है ऑल आर पैरासाइट, क्या होता है बच्चों जो वायरस होता है ऑल आर पैरासाइट, ऑल हैव द हेलिकल जो सिमेट्री होता है, कह रहा है ऑल ऑफ देम हैव द हेलिकल सिमेट्री, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो आ जाए बच्चों, जो वायरस होता है वो हेलिकल सिमेट्री ऑल ऑल कर, ऑल ना किया होता तो सही, इसमें कर ऑल ऑफ द हेलिकल सिमेट्री, तो हेलिकल पूरे ऑल जो सभी वायरस हेलिकल सिमेट्री नहीं होते हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या होता है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगर एनी वन डाउट तो सभी लोग फर्स्ट आंसर दिए, तो कह रहे हैं ऑल ऑफ पैरासाइट हो सकते हैं, क्या होता है बच्चों वायरस पैरासाइट होते हैं लेकिन सभी का स्ट्रक्चर हेलिकल नहीं होता है, कह रहे ऑल ऑफ देम, इसमें अगर ओनली कुछ के वायरस होता तो ठीक है, लेकिन इसमें कह रहे ऑल ऑफ द हैव द हेलिकल सिमेट्री, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। एनी वन डाउट, तो अगर किसी को डाउट हो तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड, यस इसका करेक्ट आंसर सेकंड होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, ए एंड बी आर रॉन्ग। तो मनीष, जो वायरस होता है तो पैरासाइट नहीं होता है, उसमें कह रहा है ऑल, सॉरी देखते हैं एक बार क्वेश्चन, कह रहा है विच रॉन्ग पूछ रहा है, तो ऑल आर पैरासाइट, तो वायरस ऑल आर पैरासाइट, ठीक है मनीष इसको देखेंगे, इसके बाद अगला आप लोग क्वेश्चन करिए, उसके बाद हम इसको एक बार देखते हैं। तो हमें तो लगा वायरस, क्योंकि सभी वायरस जो होते हैं पैरासाइट ही होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर उन्हें लेना होता है तो अगर पैरासाइट नहीं होंगे तो, क्योंकि वो जब भी क्या होता है जब आउटसाइड होते हैं तो नॉन लिविंग होते हैं, जब भी वो क्या होते हैं जब बॉडी में अटैच करेंगे या किसी के अंदर होंगे, जब लिविंग में जाएंगे तो तभी बार वो क्या होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है मनीष इसको देखते हैं। लेकिन हमें ये लगा कि जो वायरस होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट होते हैं क्योंकि बिना आउटसाइड हम बताए कि नॉन लिविंग होते हैं, और जब अंदर होते हैं, जब किसी भी लिविंग अंदर होते हैं तभी वो क्या होते हैं लिविंग होते हैं, तो अगर उनको अगर कहीं भी अगर किसी लिविंग के अंदर है तभी तो पैरासाइट होंगे, तो इसको देखते हैं। तो अगला आप इसका आंसर बताइए, तो उसको हम डाउट अभी देखते हैं, इसका आंसर बताइए इसका, कह रहे मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन द फंजाई एनिमेलिया मोनेरा प्लांटी, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, तो इसका आप लोग आंसर बताइए इसका, सी आ रहा है, यस। तो हमें बच्चों जब भी डाइवर्सिटी पूछना होगा, क्या होता है जब भी डाइवर्सिटी पूछेगा तो बस हमें ये देखना होगा, तो क्या होता है जो जितना बहुत मतलब जितना छोटा उसका किंगडम हो, जैसे हमारा मोनेरा, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, इसके आधार से आप डाइवर्सिटी बताएंगे। तो जैसे जैसे हम क्या कहते हैं डाउन, मतलब जितने हम ग्रुप जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या होता है डाउन द ग्रुप से जब हम अपवर्ड जाते हैं तो हमारा जो डाइवर्सिटी होता है बच्चों डिक्रीज करता जाएगा,
जैसे हमारा मुनीरा में सबसे ज्यादा डायवर्सिटी होगा, क्या होता है बच्चों, जो न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी होता है, क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी सबसे ज्यादा मुनीरा में होगा, इसके बाद हमारा प्रोटिस्टम होगा, इसके बाद फंजाइम होगा, इसके बाद हमारा प्लांटिम होगा, इसके बाद एनिमेलियम है। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन डायवर्सिटी हमारा सबसे कम हमारा एनिमेलियम होता है, किसमें, एनिमेलियम। तो इसीलिए याद करिएगा कभी भी, अगर आप ये ध्यान दीजिए न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी, जब भी आपको न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी पूछेगा तो जो आप उसमें देखिए जो सबसे छोटा किंगडम है, जैसे हमारा मुनेरा है, तो जिस जो सबसे छोटा, जो सबसे पहले किंगडम बना था उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन ऑफ डायंथस। तो हम इसको सभी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, जो डायंथस होता है, क्या बच्चों, जो डायंथस होता है उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, स्ट्रक्चर में आप बताइए। पहला दिया है, सेकेंड दिया है, थर्ड दिया, फोर्थ दिया है। तो इसका करेक्ट एनी वन आंसर, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। तो बच्चों इसका कोई एनी वन आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर, डायंथस का प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो इसका बी आ रहा है। एनी वन आंसर इसका? तो चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, चार फिगर दिख रहे होंगे, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, इसका फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड। एनी वन आंसर? अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। डायंथस। टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो इसका आंसर डी आ रहा है। आशीष भी डी दिए, एक बार बी देगा फिर डी, आशीष डी होगा। तो यस, इसका करेक्ट आंसर हमारा डायंथस का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डायंथस होता है किसका होता है बच्चों, प्रेजेंटेशन, एनी वन आंसर? जो हमारा डायंथस होता है किसका एग्जाम्पल है, कोई आंसर दे सकता है? एनी वन? मनीष, कोई डाउट? अनिल, आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा बच्चों? फोर्थ, जो डायंथस होता है, क्या होता है, प्री सेंट्रल का जो हमारा डायंथस और प्राइमरोज होता है वो किसका एग्जांपल होता है बच्चों? प्री सेंट्रल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। क्या होता है बच्चों? फिगर में दिखाया गया है, इसलिए एक बार एनसीईआरटी का फिगर जरूर देखिएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसके ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डायंथस का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्या आता है बच्चों? अगला क्वेश्चन, तो आप लोग इस फिगर को देखिए, क्या होता है इस फिगर को, इसमें कह रहा है द फिगर वी शो इन द एनिमल इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ द रिसेंबल कॉमन करेस्टेटिक ऑफ द टू ऑफ एनिमल। तो आप लोग इसका फिगर देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन आप लोग ए है, ए बी कनाइडोब्लास्ट और सेल्फ डिफेंस होता है, फर्स्ट में कह रहा है ए और बी में, सेकेंड में कह रहा है ए एंड डी, जो ए और डी दे रहा है इसमें कह रहा है रिपेयर मेनली थ्रू द बॉडी वॉल। तो इसका आंसर डी आ रहा है। तो एनी वन आंसर? तो मनीष आपका आंसर अभी नहीं आ रहा है। बी एंड सी शो इन द रेडियल सिमेट्री, बी एंड सी रेडियल सिमेट्री, सी एंड डी हैव द ट्रू सिलोमेट, सी एंड डी ट्रू सिलोमेट। अब आप तो आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। एनी वन आंसर? तो डी आ रहा है। इसका आंसर, इसका मनीष इसका आंसर बताइए, कोई प्रॉब्लम? तो इसका आंसर हमें डी आ रहा है, लेकिन बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट दिया है, तो हमारा जो फर्स्ट दिया है बच्चों ये क्या होता है, लीवर प्लक्स होता है, एग्जाम्पल होता है प्लेथिएलमेंथीज, मतलब जो हमारा प्लेथिएलमेंथीज है। और उसके बाद हमारा सेकेंड आर सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल दिया है,
और थर्ड जो दिया है मोलस्का का दिया है, और इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन दिया है आर्थ्रोपोडा का दिया है। क्या था बच्चों, हमने प्लेटियल मेंथी, सिलेंट्रेटा, और उसके बाद हमारा मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। तो बच्चों पालन करा जो ए एंड बी होता है कनाइडोब्लास्ट इन द सेल्फ डिफेंस, तो बच्चों इसमें तो होता है लेकिन जो हमारा ए एग्जाम्पल होता है उसमें हमारा सेल्फ डिफेंस नहीं होता है, तो हमारा ए वाला आंसर गलत है। सेकंड में करा ए एंड डी जो रिपेयर करता है मेनली टॉप द बॉडी वॉल, तो बच्चों जो हमारा ए एंड डी होता है तो बॉडी वॉल जो डी होता है तो इसमें तो होता है मतलब ए वाले में बॉडी वॉल नहीं होगा, तो हमारा इसका भी सेकंड ऑप्शन क्या होता है इनकरेक्ट है। फिर जो थर्ड ऑप्शन दिया सी एंड डी ऑफ द ट्रू सिलोमेन, तो बच्चों हमने क्या बताया था जो एनलिडा होता है क्या होता है एनलिडा, तो एनलिडा से हमारा स्टार्ट होता है क्या होता है जो एनलिडा फाइलम होता है वहां से हमारा ट्रू सिलोम स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा सी और डी होता है बच्चों सी मोलस्का का होता है और डी आर्थ्रोपोडा का होता है, मतलब इन दोनों में क्या होगा ट्रू सिलोम होता है, क्या होता है बच्चों ट्रू सिलोम होता है। फिर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा बी एंड सी दिया है रेडियल सिमिलरिटी, तो बच्चों बी में तो रेडियल सिमिलरिटी होता है लेकिन मोलस्का में बाइलेटरल सिमिलरिटी होता है न कि रेडियल सिमिलरिटी। एक एग्जाम्पल हमारा मोलस्का का है न कि इकैनोडर्मेटा का, तो इसका हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा कि जो हमारा सी एंड डी होता है ट्रू सिलोम में पाया जाता है। क्या होता है बच्चों ट्रू सिलोम होता है, एनसीईआरटी का फिगर है, एक बार जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्या होता है बच्चों पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द प्रतिमा इज करेक्टली मैच इन द फंक्शन, बच्चों इसको करेक्ट मैच करिए उसका फंक्शन बताइए, किसका अर्थवर्म का, प्रतिमा मतलब अर्थवर्म पूछ रहा है। पहला करे गिरजड़ ऑब्जर्व डाइजेस्टिव फूड, करे सीटी डिफेंस अगेंस्ट द प्रीडेटर, ट्रेप्लोसोल स्टोरेज एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, और उसके बाद से लिए अर्थात क्या बात कर बच्चों क्लाइटेलम सीक्रेट द कुकून, तो एनी वन आंसर इसका, तो इसका आंसर अगर इसके पिछले वाले ऑप्शन में कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, तो हमने चारों ऑप्शन को तो इसका डी ऑप्शन आ रहा है, तो हमने क्या किया डिस्कशन कर दिया था, तो इसका जो आप लोग आंसर डी दे रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, तो इसलिए आप इसका आंसर आप लोग बताइए। तो मनीष कोई प्रॉब्लम कोई डाउट कि आप क्लास छोड़ दिए हैं तो आपका आंसर अब नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मनीष। तो अभी मैं आपका वो जो क्वेश्चन हुआ था वायरस वाला अभी हम उसको डिस्कशन कर रहे हैं, तो पहले आप लोग इसका आंसर को बताइए तो उसको भी हम आपको क्लियर कर दूंगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका कोई आंसर नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, चैट स्टार्ट है, तो बच्चों इसका हमारा करेक्ट होता है जो अर्थवा इसका डी आंसर आया अभी तक, तो आशीष ने इसका डी आंसर दे रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होता है बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर होगा करो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अर्थवर्म करेक्टली मैच इन फंक्शन, पहला बच्चों करा जो गीजड़ क्या होता है बच्चों गीजड़ ऑब्जर्व द डाइजेस्टिव ऑफ फूड, तो बच्चों हमारा जो गीजड़ होता है डाइजेस्टिव ऑफ द फूड नहीं होता है, इनकरेक्ट होता है। सीटी जो होता है बच्चों लोकोमोशन करता है न कि डिफेंस का काम करता है। ट्रेप्लोसोल होता है बच्चों वो स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं करता है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ होता है जो क्लाइटेलम रीजन होता है वो सिक्रेट करता है कुकून को, किसको बच्चों कुकून को, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, क्या होता है तो इसका हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर सही है तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्या होता है बच्चों अगला क्वेश्चन, फ्रॉग डिफर फ्रॉम द ह्यूमन वॉशिंग, तो एनी वन आंसर, तो जो फ्रॉग होता है वो डिफरेंट होता है ह्यूमन से क्यों, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, पेयर सेंट्रल हेमिस्फीयर, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल, थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड, तो एनी वन आंसर, इसका करेक्ट आंसर, तो बच्चों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड,
क्योंकि जो हमारा फ्रॉग होता है, क्या होता है बच्चे, जो फ्रॉग होता है वुमेन से वो डिफरेंस होता है, क्योंकि जो फ्रॉग होता है, यस इसका सी आंसर हो जाएगा, जो फ्रॉग होता है उसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, क्या होता है बच्चों, न्यूक्लिएटेड होता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्ड, कौन सा हो जाएगा, टर्ड। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्या होता है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सेल लिग्निन, क्या होता है बच्चों, कह रहा है कि द सेल लिग्निन इन ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कौन से टिश्यू में होता है, स्क्वामस टिश्यू, कॉलोनर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल, तो इसका सी आ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका इसका आंसर फास्ट दीजिए, तो उसके बाद हम फास्ट करेंगे अब। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो बच्चों इसको हमारा जो ब्लड वेसल्स और एयर्स एयर्स है का लंग्स हमने बताया था, उसमें कौन सा टिश्यू होता है, स्क्वामस टिश्यू होता है, कौन सा होता है बच्चों, स्क्वामस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कौन सा होता है बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा स्क्वामस। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, तो कह रहा है कि सम वास्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब इन ओपन बिकॉज, कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कह रहा है सम वास्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब ओपन बिकॉज, क्यों ओपन होता है, पहला कह रहा है ए, इसका पहला कह रहा है यस उसका फर्स्ट था, इसका आंसर बताइए, इसका तो आंसर लेट आ रहा है, टाइम लग रहा है, लग रहा है तो यस इसका आंसर बताइए, तो हमें लग रहा है कि क्वेश्चन टाइम लग ले रहा, तो इसका आंसर बताइए मनीष, आपने आंसर नहीं दिए, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट बताइए मनीष, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए। तो अभी हम आपके वायरस वाले का डिस्कशन कर रहा हूँ, उसको हम क्लियर कर दूंगा, तो आप अगला क्वेश्चन बताइए, हम उसको क्लियर कर दूंगा पक्का, वायरस को हम आपका क्लियर कर रहा हूँ, तो आप अगला क्वेश्चन बताइए। करा सब मस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब इन ओपन बिकॉज केबल टू द प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम आर सराउंडेड द पेरिसाइकिल प्रोसेस इज कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम फ्लोएम सराउंडेड आर द पेरिसाइकिल या एंडोमेट्रियम, एनी वन आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर, इसका आप लोग आंसर बताइए, कोई डाउट अगर हो तो पूछिए। इसका आंसर सी आ रहा है, सी आ रहा है मनीष सी। तो बच्चों जो हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा वास्कुलर बंडल होता है, क्या कह रहा है, सम वास्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब इन ओपन, क्यों, तो बच्चों जो वास्कुलर बंडल होता है ओपन क्यों होता है, तो कह रहा है कि जो ओपन होता है आर कैपेबल होता है, क्या होता है बच्चों, जो वास्कुलर बंडल होता है उसमें प्रोड्यूसिंग करता है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, तो इसका करेक्ट आंसर मनीष हो जाएगा फर्स्ट, क्या होता है इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आर कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग जाइलम एंड फ्लोएम, तो मनीष इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, एनी वन, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आप लोग कौन सा आंसर थर्ड दे रहे हैं, थर्ड में कह रहा प्रोसेस इन कंजेक्टिव टिश्यू बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, कंजेक्टिव टिश्यू नहीं होता बच्चों, तो मनीष इसमें वो क्या होता है जो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम होता है, कैम्बियम, क्या होता है जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम के कारण ओपन होता है, तो जो कैम्बियम होता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम होता है, तो इसलिए इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, बार बार देखिएगा क्वेश्चन, तो वह सब जो वास्कुलर बंडल होते हैं जो उसको ओपन करने के लिए हमें कैम्बियम होता है, और जो कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम से होता है, क्या होता है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, करा फंक्शन ऑफ द कंपेनियन सेल, अब इसको बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा इसका, इसका आपका क्वेश्चन बताइए, करा फंक्शन ऑफ द कंपेनियन सेल, तो कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइडिंग वाटर टू फ्लोएम, क्या होता है बच्चों, प्रोवाइडिंग करता है वाटर टू फ्लोएम को, जो वाटर होता है उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा किसको, फ्लोएम को, लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इन टू द सी ट्यूब एलिमेंट, लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इन द सी एलिमेंट बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइडिंग द एनर्जी ऑफ द सी एलिमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो मनीष इसका एनी वन आंसर, तो फास्ट इसका आंसर, कंपेनियन सेल का काम क्या होता है, तो बी, तो एनी वन आंसर बी, लक्ष्मी जी, आशीष इसका एनी वन आंसर, तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा आंसर आया, बी हो जाएगा यस। तो बच्चों हाँ ये उस दिन भी ये क्वेश्चन अभी मतलब यही क्वेश्चन नहीं था, दूसरा था, तो उसमें क्या होता है, तो जो मनीष ने इन्होंने दिया था पैसे ट्रांसपोर्ट, तो बच्चों याद रखिएगा, चाहे लोडिंग हो चाहे अनलोडिंग हो, ये याद कर लीजिएगा, चाहे लोडिंग का काम हो चाहे अनलोडिंग का काम हो, दोनों एक्टिव प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस नहीं होता है,
ए अपने दिमाग रख दीजिए, चाहे लोडिंग करे या अनलोडिंग करे दोनों एक्टिव, क्योंकि दोनों में एनर्जी लगेगा, जब एनर्जी लगेगा तो एक्टिव प्रोसेस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका करेक्ट आंसर बहुत सही है, इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इन द सीट्यूब एलिमेंट। तो हमें तो पता था कि सभी लोग इसका आंसर थर्ड देंगे, लेकिन बहुत अच्छा आंसर आया, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों सेकंड। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन कर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, क्या कर रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रॉन्गली मैच कर रहा है इन रिमेनिंग ऑफ करेक्ट, बच्चों इसमें कौन सा रॉन्गली मैच कर रहा है। तो पहला कह रहा है पेनिसिलियम कोडियम वाटर रनर, तो आप लोग तुरंत इसका आंसर दे देंगे क्योंकि ये आपका आंसर रिपीटेड है, तो इसको भी डिस्कशन हुआ था। तो एनी वन आंसर प्रायफिलम लिप बर्ड एग्री बल्ब, तो एनी वन आंसर, तो चैट तो स्टार्ट है, तो यस इसका बी हो जाएगा जो ऑफसेट होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, जो हमारा सेकेंड ऑप्शन दिया है, क्या होता है जो सेकेंड ऑप्शन दिया है उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ऑफसेट होता है वाटर रेजेंसी होता है इसमें बच्चों ऑफसेट होता है, रनर नहीं होता, क्या होता है रनर नहीं होता है, ऑफसेट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद अगला कह रहा है स्वीट पोटैटो होमोलॉगस, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, तो ये भी आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएगा, तो आप लोग बताइए स्वीट पोटैटो होमोलॉगस क्यों होता है, तो क्योंकि हमने इसलिए इसका रिपीट क्वेश्चन किया जिससे आप लोग को पता चलता रहे कि हाँ क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है। और तो स्वीट पोटैटो किसको हो, क्योंकि ये जो हमारा होमोलॉगस और एनालॉगस होता है वो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसलिए इसको जरूर रिपीट करना था। तो हमारा जो स्वीट पोटैटो होता है वो होमोलॉगस होता है, किसके बच्चे टर्निप के, तो यस इसका हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा टर्निप, क्या होता है बच्चों टर्निप, तो यस इसका करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा टर्निप। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, तो आशीष कोई डाउट हो रहा है तो बताओ, करा होल, यस यस लक्ष्मी टर्निप था, अब इसका आंसर आप बताइए, तो यस 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 अभी आंसर आ रहा है, तो बहुत अच्छा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि होल सिंपल लिप इन द रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट इन, तो आप लोग इसका तो बताइए कि जो होल सिंपल लिप आर रेटिकुलेटेड वेनेशन आर प्रेजेंट इन द कलर ऑफ इन नीम चाइना रोज एलेस्टोनिया, तो एनी वन आंसर, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर भेजिए, तो एनी वन आंसर, तो इसका डी आ रहा है एलिस्टोनिया, तो यस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो बच्चों जो हमारा सिंपल लिप एंड जो होल लिप होता है, होल का एग्जांपल होता है एलिस्टोनिया, क्या होता है बच्चों एलिस्टोनिया, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या होता है बच्चों, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द टोटली रॉन्ग, क्या होता है बच्चों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द टोटली रॉन्ग एलियम इज अकरेंस इन द नोटो कार्ड व्हाइल द अदर थ्री करेक्ट, क्या होता है बच्चों, इसमें से कौन आपको टोटली रॉन्ग लगता है। पहला कह रहा है इट इज द प्रेजेंस ऑफ द वनली लार्वल टेल ऑफ द एसिडिया एसिडियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इट इज द रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट फ्रॉग, इट इज द अब्सेंट थ्रूआउट द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉग इन वेरी बिगिनिंग, इट इज प्रेजेंट इन थ्रूआउट द एम्फियोक्सस, एनी वन आंसर, तो चैट स्टार्ट रहना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन का टाइम तुम तो बहुत दे दिए, ए आ रहा है रांगली पूछ रहा है, क्या होता है चो रांग, कौन सा स्टेटमेंट रांग कहता है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और, तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द टोटली रॉन्ग, द अकरेंस ऑफ द नोटोकार्ड विल द थ्री आर करेक्ट,
इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल ऑफ एसिडिया. दूसरा करा इट रिप्लेस बाय द वर्टिब्रा कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग. फिंगर ऑब्सेंट ऑफ द लाइफ इन ह्यूमन आर वेरी बिगनिंग. इट इज ऑब्सेंट फॉर द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. करा इट प्रेजेंट इन टॉप लाइफ इन द एम्फियोक्सस. तो एनी वन आंसर. तो इसका आंसर अभी तक आया नहीं कोई आंसर. तो इसका सी आ रहा है, सी आ रहा है. तो यस, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा इसका पकड़ा गया. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड. क्योंकि बच्चों जो हमारा फर्स्ट होता, हमने क्या होता है एक ट्रिक से रटाया था एग्जाम्पल. तो पहला में क्या कह रहा है कि जो लार्वा टेल में होता है, तो बच्चों किस में होता है, यूरोकार्डेटा में. क्या होता है बच्चों, यूरोकार्डेटा. तो यूरोकार्डेटा जो एग्जाम कह रहा है कि बच्चों जो यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल हमें शायद करके रटाया था. किसको बच्चों, शायद से. तो आप जो एसिडिया और एसिडियन होता है यूरोकार्डेटा, तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट होता है क्या होता है बच्चों, क्या होता है, करेक्ट होता है. सेकेंड वो कह रहा है रिप्लेस बाय द वर्टिब्रेट कॉलम इन एडल्ट. तो बच्चों हमने बताया था कि जो वर्टिब्रेट होते हैं, क्या होता है जो वर्टिब्रेट होते हैं उसमें क्या होता है जो नोटोकार्ड होता है, तो एडल्ट में क्या होता है वो रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेज और बोन में. किसमें, कार्टिलेज और बोन में. फिर थर्ड में कह रहा है इज अब्सेंट थ्रॉट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तो हमारा बच्चों इनकरेक्ट होता है. और उसके बाद फोर्थ कह रहा है इट प्रेजेंट थ्रॉट द लाइफ ऑफ द एम्फियोक्सस. बच्चों एम्फियोक्सस नहीं होता है. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा, तुम्हारा करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा. बहुत अच्छा इसका आंसर आया, तो खुशी हो गया इसका आंसर बहुत अच्छा. इसके बाद अगला हम आप लोग बताइए, बहुत इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है. कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग द फोर स्टेटमेंट वेयर द दे आर द करेक्ट रॉन्ग. कहता है बच्चों कौन सा करेक्ट रॉन्ग होता है. पहला फर्स्ट कह रहा है स्पोरोफाइट इज द लीवर वन द मोर एलिबोरेट होता है देन द मॉसिस. Saliva is the hetero, का था Salvina जो होता है heterosporous होता है. The life cycle all seed begin plant of the diplontic होता है. In pineus a male and female cone are born in different trees. तो anyone इसका कह रहा है टू स्टेटमेंट रॉन्ग. तो हमें रॉन्ग आंसर बताना है कौन सा इसमें रॉन्ग होता है. तो anyone आंसर, इसका करेक्ट आंसर anyone. तो फोर्थ ऑप्शन आप लोग को नहीं दिख रहा है तो उसको भी हम विजुअल करते हैं. तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है. इसका करेक्ट आंसर तो लग रहा है स्लो डाटा चल रहा है क्या आप लोग का. मनीष कोई प्रॉब्लम, बी 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 सभी लोग आंसर दे रहे हैं लेकिन आंसर स्लो आ रहा है. ए लग रहा है हम जो आशीष है आज भांग पिए हुए हैं तो उनको समझ में आ नहीं रहा है. ये समझिए बच्चों जो हमारा फोर्थ ऑप्शन, पहले किसी को ना पकड़िए आप फोर्थ ऑप्शन पकड़िए. फोर्थ में जो पाइनस होता है मोनोसीएस होता है ना कि डायसीएस होता है. तो आप पहले फोर्थ ऑप्शन से पकड़ लीजिए क्योंकि एक ही ऑप्शन होता है जिसमें पहले चार ऑप्शन पढ़िए उसके बाद आप उसमें सबसे अच्छा जो आपसे जो रॉन्ग लगे उसके बाद तो आप ऑप्शन देख लीजिए. ऑप्शन में जो सबसे कम होता है जैसे डी होता है केवल डी में एक में ही आंसर है. तो बच्चों हमारा डी होता है मोनोसीएस होता है. मेल और जो फीमेल होता है सेम प्लांट पे होता है, डिफरेंट प्लांट पे नहीं होता है. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा क्योंकि बच्चों जो हमारा यही एक ऑप्शन है जिसमें डी इनकरेक्ट है, बाकी किसी में डी नहीं है. तो इसलिए इसका आपको एक ही ऑप्शन से आपको इसको करेक्ट मिल गया. और जो स्पोरोफाइट इन लीवर माम होता है बच्चों मोर एलिबोरेट नहीं होता है इन मॉसेस से. अगर स्पोरोफाइट अगर बच्चों लीवर वार्म का मोर एलिबोरेट हो जाता तो डोमिनेंट ना हो जाता. और उसके बाद सलाइवा जो हेटरोस्पोरस सेल्विना जो होता है हमने बताया था सेलेजिनेला और सेल्विना जो होता है दोनों हेटरोस्पोरस होते हैं. और उसके बाद जो लाइफ साइकिल ऑफ द सीड बेरिंग होता है सभी डिप्लॉयड होता है. तो करेक्ट आंसर इसका हमारा सेकेंड हो जाएगा. इसके बाद बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आता है. करा है सेलेजिनेला एंड सेल्विना कंसीडर. क्या करा है
करा सेलेजनेला एंड साल्विना आर द कंसीडर रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट स्टेप टू वर्ड द एवोल्यूशन इन द सीड हैबिटेट बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर एनीवन, पहला करा फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसका क्वेश्चन पहला करा फीमेल गैमेटोफाइट इन द फ्री एंड गेट डिस्पर्स लाइक सीड, फीमेल गैमेटोफाइट लाइक आर्चिगोनिया मेगास्पोरा एंडोस्पोरा एम्ब्रियो सराउंडेड बाय द सीड कोट, एम्ब्रियो डेवलप इन द फीमेल गैमेटोफाइट विल द रिटेन ऑन द, क्या था बच्चों, रिटेन ऑन द पैरेंट स्पोरोफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर एनीवन, तो यस इसका करेक्ट आंसर बताइए इसका, तो आपका सॉरी हो गया, इसका आंसर बताइए इसका क्या होगा। ओके मनीष ओके, तो क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन है मनीष, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम क्वेश्चन जूम कर देते हैं तो आपको ऑप्शन चारों नहीं दिखेगा, तो आपको वही प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया आपका जूम क्वेश्चन, सेलेजनेला एंड साल्विना आर कंसीडर इन द रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट बिकॉज, फीमेल गैमेटोफाइट फ्री गेट डिस्पर्जल लाइक द सीड, फीमेल गैमेटोफाइट लाइक आर्चिगोनिया मेगा स्पोर प्रोसेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय द सीड कोट, एम्ब्रियो डेवलप इन द फीमेल गैमेटोफाइट विच रिटेन ऑन द पैरेंट स्पोरोफाइट। तो अब इसका आंसर आप लोग बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर एनीवन, तो इसका करेक्ट आंसर तो आप लोग को तो दिख रहा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर एनीवन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या होता है बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होता है तो इसको हम डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, जो सेलेजनेला और साल्विना होता है कंसीडर करता है कि इसको रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट स्टेप टू द एवोल्यूशन इन सीड सीड हैबिटेट, उसमें कैसे मतलब जो हमारा सेलेजनेला टेडोफाइटा होता है तो उसमें जब सीड हैबिटेट बना तो उसका कैसे पता चला कि इसमें सीड है। पहला करा जो फीमेल गैमेटोफाइट फ्री एंड गेट डिस्पर्स लाइक द सीड, तो नो बच्चे मनी से गलत हो, अगर सीड ही अगर उसके लाइक उसमें सीड नहीं बनता है, केवल सीड हैबिटेट आता है। तो इसका हमारा जो अगर करेक्ट आंसर आप देखते हैं तो करेक्ट आंसर ये होता है जो इम्ब्रियो होता है, क्या था बच्चों, जो इम्ब्रियो डेवलप इन द फीमेल गैमेटोफाइट विच रिटेन कर जाता है किसमें, पैरेंट स्पोरोफाइट। तो बच्चों मैंने मैंने स्पोरोफाइट क्या होता है, जैसे जैसे हमारा जो सीड हैबिटेट तभी बनता है उसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाता है। तो बच्चों जो इम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, स्पोर जो गैमेटोफाइट होता है क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट में रिटेन हो जाता है। तो जब स्पोरोफाइट में रिटेन हो जाता है तो हमें पता चलता है कि जो इसमें सीड हैबिटेट क्या होता है, जो सीड हैबिटेट बनता है तो हमें जो गैमेटोफाइट होता है वो रिटेन हो जाता है स्पोरोफाइट में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, मनीष इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप इन द फीमेल गैमेटोफाइट विच रिटेन हो जाता है किसमें, पैरेंट स्पोरोफाइट में। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको जरूर एक बार देखिएगा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन करा करा पैथोजन, क्या करा बच्चों, करा है कि द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वार्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑर्गेनिज दैट ऑफ, तो पहला करा है टीनिया टेपवाम यूचेरिया फ्लेरिया वाम राइजोफस मोल्ड मास, और उसके बाद हमारा एस्केरिस राउंड वार्म। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर दे सकते हैं, तो आप लोग को अगर उस तो उसका डी आंसर था, यस यस उसका डी आंसर था, यस मनीष उसका डी आंसर था, आपने बहुत अच्छा दिया, उसका डी आंसर था। अब इसका बताइए इसका क्या होगा, तो आपको एक क्वेश्चन दिख गया होगा, तो आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, एक क्वेश्चन है करा पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वार्म डिजीज ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑर्गेनिज एज दैट ऑफ, कौन सा, पहला टीनिया टेपवर्म, तो आप लोग आंसर अब दीजिए। तो इसका आंसर इसका आंसर इसका
तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर बी। एनीवन आंसर? यस यस, इसका करेक्ट आंसर फास्ट फास्ट है। अभी तो क्वेश्चन बहुत है, बहुत स्लो हो रहा है। तो मनीष या तो आप फास्ट करिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर बी दिए गया, उचेरिया बी बी। तो इसका हमें ये नहीं समझ आता है, आप लोग को डी बी आंसर आ रहा है। तो बच्चों इसका हम करेक्ट आंसर देखेंगे। तो करेक्ट आंसर जो हमारा जो माइक्रोस्पोरम होता है, जो पैथोजन माइक्रोस्पोरम होता है रिंग वार्म के लिए, बच्चों क्या होता है? फंजाई होंगे। क्या होंगे? फंजाई होते हैं। अभी हम जब सेकेंड एनसीईआरटी में रिंग वार्म पढ़ेंगे, किसमें ह्यूमन जब डिजीज पढ़ेंगे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे रिंग वार्म। तो रिंग वार्म के एग्जाम्पल हमने वहां पर रखता हूँ मेप, मेप करके रिंग वार्म के जो एग्जाम्पल होते हैं मेप है। तो वहां से आप देखेंगे। और जो रिंग वार्म होते हैं फंजाई होता है, हमारा जो रिंग वार्म डिजीज होता है किससे होता है बच्चों? फंजाई से। तो इसमें अगर हमें देखना होगा तो इसमें फंजाई के एग्जाम्पल देखेंगे। और फंजाई का एग्जाम्पल हमारा बच्चों जो हमारा क्या होता है, तो हमारा जो पहला टीनिया टिपवार्म होता है प्लेथी एलिमेंटीज में आता है, और जो विचेरिया और फ्लेरिया वार्म होता है बच्चों एस्की एलिमेंटीज में आता है। किसमें? एस्की एलिमेंटीज में। और जो राइजोपस और मोल्ड होता है, क्या होता है बच्चों? जो राइजोपस और मोल्ड होता है ये हमारा फंजाई होता है। क्या होता है बच्चों? फंजाई। हमने बताया था राइजोपस का एग्जाम्पल कौन सा बच्चों? फाइकोमाइसिटीज। किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। तो फाइकोमाइसिटीज में हमने बताया था राइजोपस मोल्ड को, तो हमारा ये होता है फंजाई। और जो लास्ट में हमारा एस्केरिस और राउंड वार्म दिया है, इसको एलिमेंटीज का मेंबर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, राइजोपस एंड मोल्ड। क्या होता है बच्चों? राइजोपस एंड मोल्ड होता है। तो इसका आंसर यस यस, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। यस मनीष, इसका करेक्ट आंसर थर्ड था। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है। क्या होता है बच्चों? अगला क्वेश्चन तो हमारा टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, स्लो हो जाता है, या तो हम फास्ट कराते चले जाए तो फिर होगा। करा सिलिएटेड कॉलोनी एपिथेलियम इन द ह्यूमन नोन एज, तो कहां पर होता है सिलिएटेड एपिथेलियम? तो आप लोग क्या करिए, हमारा चैट रेगुलर चलता रहेगा, अब चैट बंद नहीं हुआ। तो आप लोग फास्ट आंसर दीजिएगा। तो करक जो सिलिएटेड एपिथेलियम, क्या बच्चों? करक जो सिलिएटेड एपिथेलियम ह्यूमन में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो बच्चों हमने बताया था जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है ह्यूमन में, तो इसका डी आंसर आ रहा है यस। तो इसी प्रकार आप लोग आंसर देते रहिएगा तो फास्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ, को जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है वो हमारा फलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल में होता है। कहाँ पर? फलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कौन सा? ब्रोंकियोल और फलोपियन ट्यूब। इसके बाद यस यस लक्ष्मी। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है। क्या करा? करा विच आर द फॉलोइंग करेक्टली, क्या करा बच्चों? अगला क्वेश्चन करा विच आर द फॉलोइंग करेक्टली स्टैंड हैपेंस इन द काकरोच। क्या होता है बच्चों? कॉमन काकरोच। तो कॉमन काकरोच के बारे में हमें बताना आता है। करा विच आर द फॉलोइंग करेक्ट स्टैंड इन द हैपेंस इन द कॉमन काकरोच। पहला करा ऑक्सीजन इन द ट्रांसफर बाय द हीमोग्लोबिन इन ब्लड। सेकेंड करा फूड इज ग्राउंड बाय द मैंडिबल एंड गिजर्ड। नाइट्रोजन एस्केटिव प्रोडक्ट इन यूरिया। मालपिगियन ट्यूबुल एस्केटरी आर्गन प्रोजेक्ट इन आउट फ्रॉम द कॉलन। तो इसका एनी वन आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग अगर दे तो फास्ट दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ रहा है। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होता है, तो हम इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। तो बच्चों इसमें अगर काकरोच बारे में करेक्टली हमें देखता है तो लास्ट आंसर जो होता है मालपिगियन ट्यूबुल एस्केटरी आर्गन तो सही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कॉलन में नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? कॉलन में नहीं होता है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होता है रॉन्ग होता है। क्या होता है बच्चों? फोर्थ आंसर रॉन्ग, कॉलन में नहीं होता है।
कॉलन हम कहाँ पढ़ेंगे जब हम फ्रॉग पढ़ते हैं वहां पर होता है, क्या था बच्चों फ्रॉग में, तो हमारा यहाँ पर कॉलन ऑप्शन गलत होता है। सीकम कॉलम रेक्टम जैसे हमारा हो गया एमपी क्या कहते हैं क्या बर्ड और मैमल्स और एम्फीबियन में होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो इसका जो गलत होगा जो फोर्थ ऑप्शन है कॉलन, कॉलन यहाँ पर गलत होगा। और जो हमारा सेकेंड ऑप्शन हो तो फूड होता है ग्राउंडेड बाय द मैंडिबल एंड गिजेट, ये 100% करेक्ट हो कि जो बच्चों हमारा क्रॉप जो हमारा काकरोच होता है वो क्या होता है जो हमारा मैंडिबल और गिजेट होता है वहां फूड क्या करेंगे मैंडिबल, तो इसका हमारा करेक्ट ग्राउंडेड बाय द मैंडिबल एंड गिजेट, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो इसको मैंने ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने दिया सही, मालपिगियन टिबुल ने सही सोचा, लेकिन कॉलन जो कर दिए कॉलन नहीं होता है वहां पर, कॉलन के लिए आंसर गलत हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, कौन सा सेकंड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्या होता है बच्चों कच्चा कह रहा है विच वन वेरी स्पेशल फीचर ऑफ द अर्थवर्म प्रतिमा, तो अर्थवर्म बारे में कौन सा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, तो बच्चों हमारा अर्थवर्म से क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन खास खुदा आ गया तो बोनस होता है, क्योंकि हमारे जब एनसीईआरटी में है तो कभी भी क्वेश्चन बना सकता है, जरूरी नहीं है एक साल दो साल नहीं बनाया, तो उसके बहुत पहले फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बीच में अचानक दो क्वेश्चन फ्रॉग को डाल दिया, तो इसी प्रकार हो सकता है एनसीईआरटी में है तो डाल सकता है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन जरूर करना होगा। करा वन वेरी स्पेशल फीचर ऑफ द अर्थवर्म प्रतिमा इज द, कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, पहला करा यस शेप्ड सिटी, क्या था बच्चों यस शेप्ड सिटी इम्बिडेंट इन द इंटीगमेंट आर द डिफेक्टिव, तो इसका आपको फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो फोर्थ आपको दिखेगा, तो इसका करेक्ट आंसर एनीवन, तो इसका चैट तो स्टार्ट है, इसका एनीवन आंसर। तो बच्चों इसका हमारा जो करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा थर्ड, क्या होता है थर्ड, कह रहा है जो ट्रोपोसोल होता है, क्या होता है बच्चे जो ट्रोपोसोल होता है, क्या कह रहा है जो ट्रोपोसोल होता है जनरली क्या करेगा इंक्रीज करतेगा सर्फेस एरिया को, जैसे जो भोजन होता है ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट हो जाए, यस मनीष इसका करेक्ट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है बच्चों अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्राउंड टिश्यू इंक्लूडेड, तो बच्चों अब तो आप इसका आंसर आप दे सकते हैं, ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, ऑल टिश्यू एक्सटर्नल एंड एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेज, ऑल टिश्यू इंटरनल एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, एनीवन करेक्ट आंसर, तो बच्चों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो कोई एनीवन, तो अगर देना चाहे तो दे दे, तो फास्ट आंसर। तो बच्चों जो हमारा हमने बताया था जो वास्कुलर बंडल होता है क्या होता है, यस, तो जो वास्कुलर बंडल जो हमारा ग्राउंड टिश्यू होता है हमने बताया था सभी टिश्यू लेना ऑल टिश्यू होता है एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वास्कुलर, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के छोड़ के बाकी जितने भी क्या कहते हैं टिश्यू होते हैं सब क्या होते हैं ग्राउंड टिश्यू, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है द कार्कम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्ड, ये आप किस क्वेश्चन इसका आंसर जरूर आना चाहिए, बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस लक्ष्मी उसका डी था, इसका बताइए बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसका जरूर आंसर दीजिए, तो इसका आप जोड़िए, कह रहा है कि कार्कम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर करेक्टली क्या होते हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, आप कार के बारे में भी जानना होगा कॉर्कम्बियम बारे में और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसके बारे में जरूर जान लेना है बहुत अच्छा होता है, तो एनीवन आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर, तो चैट तो सॉरी यस यस, तो इसका आंसर सी आ रहा है, क्या होता है इसका आंसर सी आ रहा है, तो इसको देखते हैं, तो ए आ रहा है, तो यस इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, तो बच्चों जो हमारा इसका जो हमारा कॉर्कम्बियम होता है क्या होता है बच्चों, जो हमारा कॉर्क सेकेंडरी कॉर्टेक्स और उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों कॉर्कम्बियम, ये तीनों जो होते हैं हम इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों पेरी ड्रम,
क्या बच्चे बच्चों, फेरी टर्न। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, तो याद कर लीजिए। तो जो हमारा कार्कम्बियम होता है इसे बोलते हैं फिलोजन, क्या बोलते हैं बच्चों, फिलोजन। और जो कार्क होता है इसे हम बोलते हैं फिल्लम, और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है इसको बोलते हैं फिलोडर्म। तो याद कर लीजिएगा, जरूर आ जाएगा, फिलोजन, फिल्लम एंड फिलोडर्म, इन तीनों को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, पेरिटर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, पेरिटर्म, क्या होता है बच्चों, तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन दिया है करेक्ट, चीली जो होता है, क्या होता है बच्चों, जो चीली, चीली आप फैमिली पढ़िए पहले, किस फैमिली में आएगा, और उसे आप बताइए इसका करेक्ट फार्मूला क्या होगा। फर्स्ट आपको दिया गया फिगर, तो फर्स्ट आपका दिया है एक्टिनोमार्की, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, करोला 5, इंडोसेफ 5 और गायनोसियम 2 सुपीरियर। फिर इसके बाद सेकेंड दिया है एक्टिनोमार्पिक, डाइगो, एक्टिनोमार्पिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, करोला 5, फ्यूज है, एंडोसियम 5 और इसके बाद गायनोसियम 2 होता है, फ्यूज है, सुपीरियर। फिर थर्ड ऑप्शन दिया है और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कोई, एनीवन, तो चीली। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर एनीवन, तो एनीवन इसका करेक्ट आंसर, तो चैट तो बंद होगा क्या, सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर बी आ रहा है। तो इसका बच्चों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड होगा, क्या होगा बच्चों, सेकेंड, क्योंकि हमारा जो चिली आता है फैमिली सोलनेसी में आता है, किसमें, फैमिली सोलनेसी में, सोनली सोलनेसी जो होता है केवल एक ही फैमिली होता है, ऑल आर एनसीईआरटी फैमिली, क्या होता है यह याद करना होगा कि ऑल आर एनसीईआरटी फैमिली आर सुपीरियर ओवरी, मतलब एनसीईआरटी के जितने भी फैमिली हैं सभी सुपीरियर होते हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा। तो आपका ये कंफ्यूजन खत्म। ओनली फिबेसी फैमिली होता है जो जाइगो मार्किंग होता है, बाकी सभी एक्टिनो मार्किंग होते हैं, इसको आप कंफ्यूजन मतलब डिफरेंट कर लीजिए। और बच्चों इसमें जो हमारा कैलिक्स होता है, क्या होता है बच्चों, जो कैलिक्स करोला होता है, क्या होता है बच्चों, सभी फ्यूज होते हैं, और जो हमारा कैलिक्स और होता है करोला एंडोसियम होता है, वो क्या होता है बच्चों, जुड़े होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जुड़े होते हैं। और उसके बाद हमारा जो गायनोसियम होता है सुपीरियर होता है, वो भी क्या करेगा, फ्यूज होगा। तो बच्चों इसका हमारा करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा, तो याद कर लीजिए इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्या आता है बच्चों, ये हमारा सभी फ्यूज है, देखो 5 फ्यूज है, ए भी फ्यूज है, और यहाँ पर जो एंडोसियम होता है फ्यूज नहीं होता है, और गायनोसियम भी फ्यूज होता है, और ये क्या होता है जो एंडोसियम और जो करोला होता है वो क्या होता है बच्चों, जुड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, कह रहा है ड्रूप डेवलप इन, ड्रूप का फ्रूट बताइए पहली बात। अब इसमें यही पूछा है, ड्रूप डेवलप होता है मैंगो, वीट, पी, टमाटो, तो एनी वन आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हमें मिलने वाला है, यस टॉफी फैमिली सर, यस सर, ओके ओके, आपने सही बताया। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए ए, यस, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों हमारा ए हो जाएगा, कि जो हमारा ड्रूप होता है और ड्रूप फ्रूट होता है किसमें, मैंगो और कोको नट में, किसमें बच्चों, मैंगो और कोको नट, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, करा ओवरी इज द हाफ एम्पीरियल फ्लावर, तो इसका आप लोग हमें क्वेश्चन देखते वक्त आपको तुरंत आंसर टाइप कर दीजिए, और उसके बाद जैसे चैट स्टार्ट आंसर आ जाए, तो इसका करा ओवरी इज द हाफ एम्पीरियल इन फ्लावर, तो आप इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, तो ए आ रहा है, तो इसका हाफ एम्पीरियर होता है, तो बच्चे जो हाफ एम्पीरियर होता है हम उसका एग्जांपल बताए थे पम्पीच रोज, किसको बच्चों, पम्पीच रोज, याद कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, कौन सा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा पम्प, क्या होता है बच्चों, पिच, पिच होगा, तो पम्पीच रोज याद कर लीजिए। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, कह रहा है फ्लावर इज द जाइगोमॉर्फिक इज, तो कौन सा फ्लावर इसमें जाइगोमॉर्फिक है, पहला मस्टर्ड, गुलमोहर, टमाटो, धतूरा, तो एनी वन आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर, यस, इसका करेक्ट आंसर बताइए, तो बी आ रहा है, यस, इसका करेक्ट आंसर बच्चों हमने बताया था, जितने जैसे हमारा बीन हो गया, क्या होता बच्चों, केसिया हो गया, गुलमोहर हो गया, ये सभी किसका एग्जाम्पल होता है, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल होता है जाइगोमॉर्फिक का।
अब एक टू ने जो मार्पिक होता है इसको हमने बताया था मार दो चाटा, मस्टर्ड, धतूरा और चिली, तो याद कर लेना मार दो चाटा, तो मस्टर्ड, धतूरा और चिली, तो करेक्ट आंसर हमारा इसका सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या था बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा विच आर द फॉलोइंग एनिमल, क्या होता बच्चों, कह रहा है विच आर द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप एनिमल करेक्टली इन मैच इन द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो बच्चों कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए मैच करना। पहला कह रहा है रेप्टेलिया इन द थ्री चेम्बर हार्ट इन द इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वर्टिकल, सेकेंड कह रहा है जो कार्डेटा होता है प्रोसेस ए माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जा, थर्ड कह रहा है कार्डियोसिस्ट प्रोसेस इन द कार्टिलेजिनस स्केलेटन, मैमेलिया गिव इन द बर्थ ऑफ द यंग्स वन, तो ये एनी वन आंसर, इसका करेक्ट आंसर तो सी आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर हमें सी आ रहा है, तो यस इसका करेक्ट आंसर बच्चों सी होता है, तो यही एक होता है जो हमें कोई एक्सेप्शन नहीं है बाकी सभी में, तो उसमें हमारा क्रोकोडाइल एक्सेप्शन होता है। कह रहा है पहला कार्डेटा प्रोसेस इन द माउथ एंड अपर इन द लोअर एनस, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है बच्चों, क्या होता है करेक्ट जो हमारा कार्डियोसिस्ट होता है उसमें कार्टिलेजिनस इसको स्केलेटन होता है, ये हमारा इन द करेक्ट होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल द लुक इन द आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग, क्या करा बच्चों, करा व्हाट इज द लुक आइडेंटिफाई करिए, करा व्हाट विल यू लुक फॉर द आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ फॉलोइंग फीमेल, अब आप इसमें बताइए क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला कह रहा है फीमेल इज द एस्केरिस शार्पली कर्व एंड पोस्टीरियर इन, सेकेंड कह रहा है मेल फ्राई इज द कॉपुलेटरी पैड, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा मेल पराग इज ए कॉपुलेटरी पैड इन द फर्स्ट डिजीज इन द हैंड लिम, फीमेल काक्रोच इज द इनर सरसाई, मेल शार्क क्लेस्पर इन द बोन इन पेल्विन पाइन, तो एनी वन आंसर, इसका करेक्ट आंसर तो एनी वन, तो चैट 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 स्टार्ट है, तो इसका एनी वन बी, तो इसका आंसर बी आ रहा है। तो इसका हमें आंसर बी मिल रहा है, तो एनी वन इसका आंसर तो डी, तो बच्चों इसका हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो हमें बी आंसर दे रहे हैं तो बच्चों कॉपुलेटरी जो पैड होता है फ्रॉग में होता है, लेकिन फर्स्ट डिजीज ऑफ द फोर लिम्ब होता है न कि हैंड लिम्ब होता है, किसमें होता है बच्चों फोर लिम्ब में होता है, तो मेल फ्रॉग इज द कॉपुलेटरी पैड सही है ऑन द फर्स्ट डिजीज ऑफ द फोर लिम्ब, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो गलत होता है। फीमेल काक्रोच एनस सरसाई होता है, क्या होता है बच्चों, लेकिन डिफरेंस नहीं कर सकते, जो फीमेल अगर फीमेल में एनर सरसाई होता है मेल में भी एनर सरसाई होता है, और उसके बाद जो हमारा मेल शार्क होता है डिस्पर्जल बोन आर द पेल्विंग फाइन, ये बच्चे 100% क्या होता है करेक्ट होता है, इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, याद कर लीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका हमारा करेक्ट आंसर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद अगला कह रहा है प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिशिंग सिम्बायोटिक फीचर इन, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक इन एलनस साइकस सीसर पाइसम, तो एनी वन आंसर, तो इसका आप बता सकते हैं, तो इसका प्रोकैरियोटिक कौन सा प्रोकैरियोटिक जो ऑटोट्रॉफिक होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, तो इसका एनी वन आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर एनी वन देने वाले हैं सभी लोग, बहुत अच्छा आंसर आने वाला है, प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द ए ए
सभी का आंसर है यार प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिंबायोसिस इन द यस सर फोर इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एनलस। कौन होता है बच्चों? एनलस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एनलस। यस इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है आर्ची क्या कहते बच्चों आर्चिगोनिया फोर प्रेजेंट इन। तो आर्चिगोनिया फोर किस में प्रेजेंट होता है? करा आर्चिगोनिया प्रेजेंट इन मार्चेंटिया कारा एडेंटम प्यूनेरिया। एनी वन आंसर? आर्चिगोनिया फोर प्रेजेंट इन। तो आप लोग का आंसर इंतजार है। तो बच्चों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यस यस सभी आंसर आ गया। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा मर्चेंटिया। तो जो मर्चेंटिया होता है बच्चों उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आर्चिगोनियो फोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस यस इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्या आता है बच्चों अगला जो क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपेयर करिए किसको करा है कंपेयर विथ ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द ब्रायोफाइट सॉरी गैमेटोफाइट कंपेयर विद द गैमेटोफाइट ऑफ ए ब्रायोफाइट द गैमेटोफाइट ऑफ वास्कुलर बंडल प्लान टर्न इन। क्या होता है गैमेटोफाइट ऑफ वास्कुलर बंडल टर्न टू बी स्मॉल बर्ड हैव द लीफ लार्ज सेक्स ऑर्गन लार्ज बर्ड हैव द स्मॉल सेक्स ऑर्गन। ये तो बच्चों आप लोग को क्या होता है आप लोग को रिपीट क्वेश्चन है तो आपका आंसर आ जाना चाहिए इसका। यस इसका आंसर बताइए। ए एनीवन आंसर मनीष। तो बच्चों इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों जो कंपेयर विद जो गैमेटोफाइट एम्ब्रायोफाइट होता है वो जो गैमेटोफाइट वास्कुलर बंडल प्लांट इज द टर्न होता है उसमें जो स्मॉल एंड लार्ज सेक्स ऑर्गन होता है। अभी इसको क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा स्मॉल एंड स्मॉल सेक्स ऑर्गन। क्या होता है बच्चों? स्मॉल होता है और स्मॉल सेक्स ऑर्गन होता है। तो दोनों इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है कह रहा है गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन। इसका तो आंसर आप लोग को देना चाहिए बहुत अच्छे तरह से। कह रहा है गैमेटोफाइट जो होता है नॉट इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्री लिविंग जनरेशन। तो नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड होता है ऑफ फ्री लिविंग जनरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर पॉलीट्राइका एडेंटा मार्चेंटिया पॉइसन। तो एनी वन आंसर? यस उसका डी आंसर था। इसका बताइए इसका। तो इसका आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ रहा है। तो बच्चों जो हमारा गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट क्या था बच्चों कह रहे नॉट इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंड नहीं है मतलब डिपेंड है और फ्री लिविंग जनरेशन होता है पॉलीट्राइकम एडेंटम मार्चेंटिया पाइनस। तो बच्चों जो पाइनस होता है क्या होता है बच्चों पाइनस जो होता है उसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है। क्या होता है स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों फोर्थ हो जाएगा। यस इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच। तो अगर क्वेश्चन करने में मजा नहीं आ रहा है तो आप लोग बताइए क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो आप इसमें कुछ आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल मिलते हैं। तो इसमें आपको तीन प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए थे क्या होता है थ्री टाइप। उसके बाद सबसे पहला हमारा इजी होता है उसके बाद मीडियम बनाया गया उसके बाद हार्ड बनाया गया था। तो आप जो अगर एक दो क्वेश्चन हार्ड आ रहा है तो उसको आप थोड़ा दिमाग लगाइए और उसके बाद आपको इजी भी मिलेगा और मीडियम भी मिलेगा। तो इसलिए आपको इसमें बेटर है क्वेश्चन करने में इसीलिए इसको इस तरह हम क्वेश्चन रखे हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर बताइए इनकरेक्टली मैच कर रहा है। रूट प्रेशर गटेशन पिसिनिया स्मूथ पंजाई रूट, तो इसका आंसर तो आ गया होगा, हमें पता है इसका आंसर आ गया होगा। तो अभी तक नहीं आया इसका आंसर, इसका आंसर डी आ रहा है। एनीवन इसका आंसर बी। तो एनीवन और इसका आंसर, तो यस बच्चों हमने इसको क्वेश्चन, ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है कि हमने जब डिस्कशन करे तो उस टाइम हमने बताया कि जो रूट वी करा है इनकरेक्टली मैच करा है। तो जो रूट प्रेशर होता है बच्चों गटेशन द्वारा होता है, तो आप जानते होंगे तो करेक्ट है। दूसरा करा है पिसिनिया इस स्मूथ फंजाई, चौथा बच्चों जो पिसिनिया होता है वो स्मूथ फंजाई होता है। तो हमने इसको रटाने के लिए हमने बापू यमराज से बताया था, किसको, बापू यमराज, बापू मतलब बी ए पी यू, तो बी से हमारा बेसिडियोमाइसिटीज हो गया। उसके बाद हमारा एग्रिकस आता है, पी से हमारा पिसिनिया होता है और स्टिलोगो होता है। यम का मतलब हमारा मशरूम होता है, और यम आर, आर का मतलब रस्ट पंजाई होता है, और यस का मतलब स्मूथ पंजाई। तो इसको आप मिलान करिए, जैसे हम यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखता हूँ यहाँ पर, जैसे हमने इसको आप याद करना बहुत अच्छा तरीका है, इसको लिखना है बी ए पी यू, ये हमारा पापू हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हमने यम आर एस लिख दिया, क्या हो गया, एम आर एस। तो इसको आप लगिए, इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए, इसको इससे मिलाइए, इसको इसको मिलाइए, और इसको इससे मिलाइए, ये यू है। तो बच्चों ये हमारा हो गया एग्रिकस, ये हमारा पिसिनिया हो गया, ये स्टिलोगो हो गया। अब जो हमारा एग्रिकस होता है इससे जो होता है कौन सा पंजाई होता है बच्चों, इससे मशरूम होता है, क्या होता है, एग्रिकस से मशरूम। पिसिनिया से हमारा रस्ट पंजाई होता है, कौन सा पंजाई होता है, रस्ट पंजाई। तो जो पिसिनिया होता है बच्चों रस्ट पंजाई होता है, और जो हमारा स्टिलोगो होता है वो स्मूथ पंजाई होता है, क्या होता है बच्चों, जो स्टिलोगो होता है वो स्मूथ पंजाई होता है। तो इसको याद कर लीजिए बापू या हमारे से, और बी का मतलब हमारा हो गया बेसिडियो माइसिडी। तो इसको आप रट लीजिए, बहुत अच्छा ट्रिक है, इससे आपको डाउट नहीं होगा। तो इसी प्रकार आपको मिलान भी करना होगा, तो बापू हमारा, तो इसीलिए जो पिसिनिया होता है, देखो यहाँ पर जो पिसिनिया होता है बच्चों, तो पिसिनिया हमारा एग्जाम्पल दिया है रस्ट पंजाई, क्या होता है बच्चों, रस्ट पंजाई, और यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर स्मूथ पंजाई होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, क्या होता है बच्चों, सेकेंड। और जो स्मूथ पंजाई होता है बच्चों स्टिलोगो का होता है। तो इसी प्रकार इसको रट लीजिए। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज इज नॉट यूकैरियोटिक सेल, करा कौन सा ऑर्गेनिज में जो यूकैरियोटिक सेल नहीं है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज इज नॉट यूकैरियोटिक सेल, पहला कह रहा है पैरामीशियम कैडेंटम, दूसरा कह रहा है यूचिया कोलाई एगुलेना वाइल्डिस, और उसके बाद अमीबा प्रोटीयस। तो इसका करेक्ट आंसर एनीवन, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर बी आ रहा है, हाँ उसका बी था। इसका आप बताइए इसका करेक्ट आंसर एनीवन, इसका करेक्ट आंसर इसका भी आ, इसका बी आ रहा है। तो देखता हूँ एनीवन आंसर, और तो मनीष ने बी आंसर दिया, यस यस इसका बी होता है। तो देखता हूँ, तो बच्चे जो हमारा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पूछा, करा विच ऑफ द ऑर्गेनिज इज नॉट यूकैरियोटिक नहीं है, तो कौन सा ऑर्गेनिज में जो यूकैरियोटिक नहीं है, तो बच्चों जो हमारा पैरामीशियम होता है बच्चों प्रोटोजोआ में आता है, तो सॉरी ये हमारा बच्चों करेक्ट है, क्या होता है बच्चों, जो प्रोटो जो हमारा पैरामीशियम होता है वो प्रोटोजोआ में आता है। और जो हमारा इचिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, क्या होता है बच्चों, इचिया कोलाई हमारा किस में आता है बच्चों, मोनेरा में, मतलब बैक्टीरिया है तो मोनेरा में आएगा, प्रोकैरियोटिक होता है। और जो इग्लूना होता है ये भी प्रोटोजोवंस होता है, अमीबा भी प्रोटोजोवंस जो यूकैरियोटिक होते हैं, क्या होता है बच्चों, यूकैरियोटिक, और ये क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्या होता है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट, क्या बच्चों कह रहा है, इन यू बैक्टीरिया ये सेलुलर कंपोनेंट इन द रिसेंबल यूकैरियोटिक सेल इज, कह रहा है कौन सा यू बैक्टीरिया होता है, कह रहा है कौन सा यू बैक्टीरिया होता है जो सेलुलर कंपोनेंट इन द रिसेंबल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस राइबोसोम सेल वॉल। तो एनीवन आंसर, तो इसका आंसर इसका इसका बी आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर इसका बताइए, तो इसका आंसर तो आ गया होगा,
एनी वन आंसर। तो कोई डाउट तो बच्चों, इसका हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या होता है, जो करेक्ट हो जाएगा, यू जो यू बैक्टीरिया एंड सेलुलर कंपोनेंट इन द रिसेम्बल होता है यू कैरियोटिक सेल, किसके बच्चों, यू कैरियोटिक के सेल को जो रिसेम्बल होता है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। क्या होता है अगला क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज द कैटलिस्ट इन द बैक्टीरियल सेल। तो बच्चों यही लास्ट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं, तो आप लोग दो क्वेश्चन और का आंसर दीजिए और उसके बाद हम जो ये क्लास है इसको ओवर करेंगे और उसके बाद हम एक रिवीजन कराएंगे आधा घंटा के लिए, मतलब 30 मिनट का एक रिवीजन होगा जिसमें काकरोच कराना है, तो काकरोच के जितने इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम रिवाइज करेंगे, तो ज़्यादा टाइम का नहीं है, केवल 30 मिनट ही है, तो इसको आप बताइए जल्दी से। करा विच आर द फॉलोइंग आल्सो एक्ट इन द कैटलिस्ट इन द बैक्टीरियल सेल। से या 5 sRNA, snRNA, hnRNA, 23 rRNA, एनी वन आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर एनी वन, तो इसका डी आंसर आ जाए यस। तो बच्चों जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तो कौन हो गया? 23 snRNA। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है। क्या आता है बच्चों अगला क्वेश्चन? तो इसको आप लोग अगर बता दें तो अच्छा होगा, नहीं तो इसका हम करेक्ट आंसर बताते हैं। इसमें करा गिवेन, क्या करा बच्चों? करा गिवेन द डायग्राम इन द इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटर्स विद इन विच आर द फॉलोइंग द ऑल द हेलिकल ए बी एंड सी डी के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों जो हमारा ए होगा, क्या होता है बच्चों? जो हमारा ए होता है तो इसका करेक्ट हमें ए दिया है, यहाँ पर दिया है। क्या होता है बच्चों? यहाँ ए दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया। अब हमें ए बी डी पूछना है। तो बच्चों जो हमारा ए होगा क्या होगा? जो ए होता है तो बच्चों ए होता है इपीडर्मिस। क्या होता है? जो ए पार्ट होता है इपीडर्मिस। और जो हमारा बी होता है बच्चों ए सब्सिडरी सेल है। क्या होता है बच्चों? सब्सिडरी सेल है। और उसके बाद जो सी पॉइंट है वो इंस्ट्रूमेंटल अपर्चर है। क्या होता है बच्चों? इंस्ट्रूमेंटल अपर्चर है। और जो डी पॉइंट होता है बच्चों वो होता है गॉड सेल। ए होता है गॉड सेल। तो इसका करेक्ट आंसर अच्छा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। क्या आता है बच्चों अगला क्वेश्चन? करा एस्टिवेशन, क्या करा बच्चों? करा एस्टिवेशन इन द पेटल ऑफ फ्लावर इन द कॉटन इज द एग्जाम्पल। तो बच्चों जो हमारा कॉटन होता है, क्या होता है बच्चों? हमने जो कॉटन होता है तो हमने इस कॉटन किसका एग्जाम्पल बताया था बच्चों? ट्विस्टेड। तो हमने बताया था ट्विस्टेड का एग्जाम्पल लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज। क्या होता है बच्चों? लेडी फिंगर, कॉटन और चाइना रोज। तो बच्चों जो हमारा कॉटन होता है ट्विस्टेड होता है, और जो ट्विस्टेड होता है जो इसका एस्टिवेशन होता है बच्चों, एक क्या होता है? पार्टिकुलर एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखते हैं तो बच्चों हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। कौन सा? सेकेंड। देखो कि इस पर क्या हो रहा है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा, एक दूसरे देख लीजिए ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया सेकेंड। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेंशन, तो बहुत अच्छा चला आज का। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एवरीडे कराते रहेंगे क्वेश्चन को। तो बच्चों आज टारगेट था 100 क्वेश्चन का, लेकिन नहीं हो पाया, तो अब कोशिश करना है कि फास्ट करना होगा। और हम क्या करेंगे बच्चों, अब अगला जो कल का सेंशन होगा उसमें हम पूरा काकरोच रखेंगे और उसके बाद साइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। किसका बच्चों? साइटोलॉजी का। तो अब और मजा आएगा, और अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो साइटोलॉजी कल से हम पहले हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कल कराएंगे, इसके बाद हम एक क्या करेंगे कॉमन क्वेश्चन रखेंगे। क्या होता है उसमें आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो कल का जो हमारा रहेगा ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रहेगा। क्या होता है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। इसके बाद फिर जो अगला टेस्ट, अगला हमारा डिस्कशन होगा उसमें आपको 3 टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। इजी क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद मीडियम क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन। 3 टाइप हम क्वेश्चन उसमें रखेंगे। तो उसमें क्या होगा, एक एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगा लाइन से, तो आपको इजी लगेगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लिंकेज चैप्टर से मिल जाएंगे, मतलब एक दूसरे लिंक रहेंगे, तो उससे आपको थोड़ा टफ लगेगा। और एक होगा कि एकदम ऐसे क्वेश्चन उसी का चैप्टर करेगा, लेकिन थोड़ा घुमा के रहेगा, जिससे आपको थोड़ा दिमाग लगेगा और मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन चलता रहेगा।
और इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो हमने बताया था डिस्कशन करने के लिए, किसको? तो मनीष का, अगर क्लास में हो तो आप बताइए, मनीष आप अगर क्लास में हो तो बताइए, मनीष क्लास में हो तो बताइए, तो मनीष अगर आप क्लास में हो तो बताइए, क्योंकि वो जो आपने वायरस वाला बताया था उसका हमें डिस्कशन करना था, तो उसको आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था उसका? यही है। तो मनीष आप क्लास में हैं? नहीं होंगे, तो लग रहा है मनीष क्लास छोड़ चुके हैं। तो बच्चों इसमें यही था कि इसमें पूछा है वायरस के लिए कौन सा रॉन्ग होता है, क्या होता है रॉन्ग होता है। पहला कह रहा है आल आर पैरासाइट, क्या होता है बच्चों? आल आर पैरासाइट, मतलब जो वायरस होता है बच्चे क्या कह रहे हैं, आल आर पैरासाइट होते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है ऑल ऑफ हैव द हेलिकल स्ट्रक्चर, क्या होता है? ऑल ऑफ देम हैव द हेलिकल सिमेट्री, मतलब सभी वायरस जो होते हैं वो हेलिकल सिमेट्री बनाते हैं। थर्ड कह रहा है दे हैव द एबिलिटी ऑफ द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, हमें रॉन्ग पूछ रहा है। और एंटीबायोटिक नो इफेक्ट ऑफ द देम, तो यस बच्चों जो वायरस होता है उस पर एंटीबायोटिक कोई इफेक्ट नहीं कर एंटीबॉडीज। तो इसका कह रहा है कि एंटीबॉडी हैव द नो इफेक्ट ऑन देम, तो इसका तो हमारा ये भी आंसर क्या होता है करेक्ट है कि जो एंटीबॉडी होता है नो इफेक्ट ऑन देम। थर्ड ऑप्शन कह रहा है दे हैव द सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये तो करेक्ट है। कह रहा है स्टेटमेंट रॉन्ग इन वायरस, रॉन्ग पूछ रहा है। ऑल हैव द हेलिकल सिमेट्री, ये भी क्वेश्चन, क्योंकि सभी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं वायरस। ऑल आर पैरासाइट, ये भी सही है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सेकंड सही है, लेकिन हमें लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा गलत टाइपिंग हुआ है। क्या होता है क्वेश्चन में करें विच स्टेटमेंट द रॉन्ग आर वायरस, रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें भी हमें रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि एंटीबॉडी है तो नो इफेक्ट आने, अगर एंटीबॉडी का इफेक्ट नहीं होता तो हम कैसे एंटीबॉडी देकर वायरस को सही कर रहे हैं। जैसे हमारा कोरोना वायरस इस समय चल रहा है तो हम क्या करें सभी को एंटीबॉडीज दे रहे हैं। यस सौरभ, इसका हमारा इसका क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, क्वेश्चन क्या हमें लग रहा है क्वेश्चन गलत हुआ है टॉपिक में, क्योंकि रॉन्ग, क्योंकि जो एंटीबॉडी होता है अगर एंटीबॉडी का इफेक्ट ना होता तो हम कैसे कोरोना वायरस में एंटीबॉडी होगा वहाँ। हाँ वो एंटीबॉडी का इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर एंटीबॉडी का इफेक्ट ना होता, क्या होता है एंटीबॉडी का इफेक्ट ना होता तो हम कोरोना वायरस में वायरस एंटीबॉडी क्यों दे रहा है, इफेक्ट हो रहा है तभी तो दे रहा है। इसलिए करा कि एंटीबॉडी है तो नो इफेक्ट ऑन देम, इफेक्ट काम कर रहा है, तो हमारा इसका आंसर ये भी रॉन्ग लग रहा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर तो सेकंड हो, लेकिन क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसको देखते हैं, अगर कल इसको डिस्कशन कर देंगे, क्या होता है कल इस क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे, तो आज इसको देखते हैं तो हमें कुछ डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पहले देखते हैं तब उसके बाद इसका डिस्कशन करेंगे। तो ओके ओके ओके, अच्छा एक बार देखता हूँ सही बात हो सकता है। तो क्या कर रहा है एंटीबायोटिक,
यस यस, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है सही कह रहा है, सही बात सुरेंद्र ने सही बताया कि एंटीबायोटिक्स लिखा है। यस, एंटीबायोटिक्स का नहीं इफेक्ट करता है, एंटीबॉडी का इफेक्ट करेगा लेकिन एंटीबायोटिक्स का नहीं। तो यस इसका करे, हाँ तो हमने देखा, हाँ ये सही है कि एंटीबायोटिक्स जो होता है उसका इफेक्ट नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी का होता है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। उसके बाद थर्ड वाले में कह रहा है दे आर एबिलिटी इन द सिंथेसिस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये भी क्या होता है, करेक्ट है। उसके बाद जो वायरस होता है कह रहा वायरस आर पैरासाइट, तो बच्चों वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, एनसीईआरटी में आपको लिखा होगा कि वायरस जो होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ये सही बात है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, आल आर पैरासाइट नहीं होता है। फिर इसके बाद सेकेंड कह रहा है आल, कह रहा है आल ऑफ हैव द हेलिकल सिमेट्री, लेकिन ये भी है, सभी वायरस हेलिकल सिमेट्री नहीं होते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर तो ए एंड बी दोनों होना चाहिए, क्या होता है ए एंड बी, तो हमारे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर दिखा जाए ए एंड बी दोनों रॉन्ग है, क्या था बच्चों ए एंड बी रॉन्ग है। एनी वन डाउट, एनी वन डाउट खत्म। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ए एंड बी दोनों होना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग दोनों होंगे तो इसका करेक्ट आंसर हमें ए एंड बी होना चाहिए। तो इस देखते हैं इस बार, इसको एक बार और देख लेंगे, तो हम इसको कल इसको डिस्कशन करके तब इसके बाद अगला हम कल, तो कल का क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा, कल का क्वेश्चन और आउट क्लास में क्या और अच्छे से क्लास को बनाइए और मजा आए, क्योंकि कल आपको बहुत अच्छा पूरी एनसीईआरटी हम जितना आज क्या कहते हैं पूरी साइटोलॉजी और इसका क्या कहते हैं काकरोच का जितने पार्ट और हैं इन सभी का पहले पूरे कल हमारा जो सेंक्शन हो जब कल का क्लास होगा उसमें पूरे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक भी आप पूरे एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो कल का क्वेश्चन जरूर मजा आएगा। इसके बाद जो इसके बाद वाला क्वेश्चन होगा क्लास होगा उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, दिमाग लगाएंगे, एनसीईआरटी से भी रहेंगे, कुछ इस पे क्वेश्चन घुमा के रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो थैंक यू बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक क्लास, धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारा जो सुपर रिवीजन क्या सॉरी हमारा जो सुपर रिवीजन चलेगा अभी हम 30 मिनट के लिए काकरोच को कंप्लीट करेंगे, क्या होगा 30 मिनट के लिए हम काकरोच को कंप्लीट करेंगे, तो अगर आप लोग को टाइम मिले तो उसमें आप अटेम्प्ट करिएगा और देखिएगा काकरोच कितने अच्छे से और कितने अच्छे से सुपर रिवीजन चल रहा। हाँ एक चीज है, अगर आप सुपर रिवीजन कर रहे हैं तो उस सुपर रिवीजन आइए, उसके बाद आप जब अगले दिन जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इतना मजा आएगा आपको, पूरी लाइन बाय लाइन वहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसलिए इतना कम 60 नोट्स में अगर आपको पूरा क्वेश्चन, और हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चों कोई और नहीं है, ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए जरूर आप आइए सुपर रिवीजन उसको अटेंड करिए। थैंक यू बच्चों।